गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग ईशिका गुप्ता बाकी के बच्चे कब ज्वाइन करेंगे यूजुअली तो बच्चे इस टाइम तक आ जाते हैं सब कैसे आज मास बंक है क्या आप लोगों का गुड मॉर्निंग हेमनदीप सिंह गुड मॉर्निंग नेहा ओके सो ऑलमोस्ट टू मिनट्स कंप्लीट होने वाली है और बच्चे अभी भी लाइव में नहीं हैं आई एम ऑन टाइम और आप लोग लेट हो अभिषेक कुमार गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग विष्णु कुमार स्क्रीन क्लियर है है आप सबको गुड मॉर्निंग पलक तो ठीक ऑलमोस्ट सेवन बच्चे जो है आ गए हैं सो so, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर और लेक्चर को स्टार्ट हुए टू मिनट्स हो चुके हैं टू एंड हाफ मिनट्स तो अभी इससे ज्यादा हम वेट नहीं करेंगे जिसको भी आना है अब वो पीछे जाके देखे ठीक है सो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन आज फिर आपका वीकली है इलेवेन्थ टू सेवनटीन ऑफ सेप्टेम्बर ठीक है सो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का द फर्स्ट वन इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट रबर डैम ठीक है इंडिया का एक जो लार्जेस्ट रबर डैम है आप में से किस किस को पता है कि रबर डैम होता क्या है किन लोगों को पता है कि रबर डैम टेक्नोलॉजी जो है वो कैसे काम करती है किन लोगों को पता है इधर प्लीज कमेंट अदरवाइज मैं अभी बताती हूँ कितने लोगों को पता है ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं इंडिया का जो फर्स्ट मतलब जो इंडिया का जो लार्जेस्ट आपका रबड़ डैम है वो अभी स्टेब्लिश हुआ है कहां पर हुआ है आपका बिहार में और किया कि है चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने ठीक है उन्होंने अभी रिसेंटली उसे इनोग्रेट कर दिया है कौन सी नदी पर है ये आपका ये है आपका फाल्गू रिवर पे फालगू रिवर जो है वो आपकी सीजनल रिवर है इस रिवर में पूरे साल पानी नहीं रहता ये आपका सीजनल होती है तो कुछ टाइम पे मतलब थ्रू आउट द ईयर कुछ टाइम ऐसा होता है जब ये ड्राई होती है तो इसकी वजह से क्या होता है जो इसके आसपास का एरिया है उधर जो पानी की सप्लाई है जो वाटर सप्लाई है वो सब क्या होती है हिंडर हो जाती है मानसून सीजन में इट वर्क्स वेल बट उसके बाद वो चीज़ें क्या होती हैं हिंडर हो जाती हैं तो उस वजह से बेसिकली ये जो डैम है ये बनाया गया है ठीक है किस टेम्पल के पास है विष्णु पद टेम्पल इन बिहार अब विष्णुपद टेम्पल ऐसा टेम्पल भी है जहाँ पे पिंडदान वगैरह होते हैं ठीक है नदी में एक हिंदू जो कल्चर है उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पिंडदान वो भी उधर होते हैं सो so, जब आपकी नदी सूख जाती है तो ये सारी ही चीज़ें जो है करने में दिक्कत होती है क्योंकि ये अगेन सीजनल रिवर है तो इसी को डील करने के लिए वहाँ पे डैम बना गया है सो सो दैट आपका थ्रू आउट द टाइम थ्रू आउट द ईयर जो है वाटर की जो मैनेज मतलब मैनेजमेंट है वो अच्छे से हो सके और वाटर जो है वो हर किसी के लिए वहाँ पर अवेलेबल हो ठीक है किसने बनाया है वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ठीक है देन नाम इसका क्या रखा है गया जी डैम ठीक है और ये थ्रू आउट द ईयर जो है सप्लाई ऑफ वाटर करेगी ठीक एस्टिमेटेड कॉस्ट है इसका 324 ट्वेंटी करोड अपार्ट फ्रॉम इट रबर डैम टेक्नोलॉजी की हम बात करेंगे सो रबर डैम टेक्नोलॉजी में होता क्या है आई हैव अ पिक्चर ऑफ इट कॉज इसको ऐसे नॉर्मली आपको बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ठीक है रबर डैम टेक्नोलॉजी में क्या होता है ये जो आपका है इट इज मेड अप ऑफ रबर ठीक है इट इज अ ट्यूब विच इज मेड अप ऑफ रबर अब इसके अंदर क्या है ये जो ट्यूब है ये होती है आपकी हॉलो इधर से खाली होती है ये ट्यूब इस ट्यूब को अगर आप पानी से फिल करेंगे तो क्या होगा ये फूल जाएगी ठीक है इन्फ्लेट हो जाएगी सिमिलरली आप अगर एयर से इसको फिल करेंगे तो भी ये इन्फ्लेट हो जाएगी और ये क्या बन जाएगा डैम बन जाएगा अगर आपकी नदी यहां से आ रही है तो अगेन पानी तो आपका रुकेगा ना इसमें भी डैम का मेन मेन जो यूज होता है वो किस लिए होता है पानी को रोकने के लिए या पानी को डाइवर्ट करने के लिए ठीक है किसी भी तरीके से तो इसमें क्या है कि इधर आपका पानी रुक गया अगर ये इन्फ्लेट हो गई तो अगर ये फिल हो गई तो ठीक है सिमिलरली यहाँ पे फिन्स होते हैं जैसे आप अगर कंक्रीट वाले डैम की बात करोगे तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए आपके कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ से पानी जो है वो आउट हो रहा होता है प्रॉपर ब्लॉकेज ऑफ रिवर नहीं होती वो पॉसिबल भी नहीं है तो उसी तरीके से इसमें यहाँ पर फिन दिए जाते हैं एक प्रॉपर ऐसे थोड़ी सी ऊँची एक रबड़ मेंब्रेन होती है जिसमें फिन दिए जाते हैं और उनके थ्रू जो पानी है वो नीचे इधर गिर रहा होता है ठीक है सो इस तरीके से काम करती है सिमिलरली इसका फायदा सबसे ज्यादा क्या है क्योंकि ये फ्लेक्सीबल है इट कैन बी इन्फ्लेटेड इट कैन बी डीफ्लेटेड आप इसको जब चाहे फ्लैट कर सकते हो आप इसको जब चाहे एज अ डैम क्रिएट कर सकते हो तो so, ये क्या है ये फ्लेक्सिबल डैम है आपका आप इसको जब चाहे हटा भी सकते हो और बहुत इजीली ये जो है काम करता है नीचे आपका एक कंक्रीट बेस होता है जिसके ऊपर ये ट्यूब रखी होती है यहाँ पे दो साइड पे आपके एंकर्स होते हैं ठीक है जिससे ट्यूब आपकी क्या है बनी होती है ठीक और ये जो है ये आपकी किससे बनी होती है रबड़ से बनी होती है ठीक है एयर भी इसमें फिल कर सकते हैं हम वाटर भी फिल करते हैं द होल पर्पज ऑफ फिलिंग इट इज टू expand ठीक है so that it can work as a dam so that's how the रवर dam works apart from it अगर आप खुद देखें ठीक है मेरे को आपको बताने की यह चीज़ जरूरत ही नहीं है अब इसको अगर ब्रेन स्ट्रॉमिंग करके आप देखोगे कि इसके आपको फायदे क्या क्या हो सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है ऑलमोस्ट 100 मीटर तक आप सिंगल यूनिट में इसको बना सकते हो ठीक है इसको हम वेयर भी बोलते हैं जो भी कोई ऐसी चीज जो पानी को रोकती है उसे हम वेयर बोलते हैं ठीक है इट इज एंग्लिश इंग्लिश टर्म ठीक है वेयर भी हम इसे बोलते हैं सो so, अब इसमें क्या है बेसिकली कि ये 100 मीटर तक सिंगल यूनिट में काम कर सकती है अपार्ट फ्रॉम इट अगर कोई डैम है विच इज कर्व्ड ठीक है कोई नदी है जिसपे आपको कोई कर्व डैम बनाना है इस टाइप का ठीक है अब उसके लिए भी ये सूटेबल है प्लस अगर आपको स्ट्रेट बनाना है तो उसके लिए भी ये सूटेबल है ठीक है अदरवाइज अगर हम कॉन्क्रीट डैम की बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या है आपका फ्लेक्सिबल नहीं है वो एक बार अगर बन गया तो थ्रू आउट द टाइम रहेगा आप उसके चैनल्स को खोल सकते हो लेकिन आप उसको डिफ्लेट नहीं कर सकते आप उसको एकदम से फ्लैट नहीं कर सकते एंड अगेन द सेकेंड थिंग इज कि उसका क्या है मैनेजमेंट बहुत ज्यादा होता है आप उसको मेंटेन बहुत ज्यादा आपको करना पड़ता है क्योंकि उसमें सरिया होता है सब कुछ होता है क्रोजन होता है so, मतलब बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं तो थ्रू आउट द टाइम यू हैव टू मेन्टेन दैट सिमिलरली अगर आपकी जो उसमें लिवर्स होते हैं जिनके थ्रू वो जो गेट होते हैं वो खुलते हैं पानी के लिए उन गेटों के लिए भी यू हैव टू यूज़ ऑयल एंड ऑल अब उससे क्या होता है जो ऑयल वगैरह आप यूज़ करते हो ग्रीसिंग आप यूज़ करते हो उससे आपका वाटर भी कंटेमिनेट होता है बायोडावर्सिटी को भी फ़र्क आता है ठीक है बायोडावर्सिटी भी इससे इफेक्ट होती है लेकिन इस ये जो रबर डैम है इसमें ऐसा किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं होती कॉस्ट इफेक्टिव है सस्ते में बन जाता है अगेन फ्लेक्सीबल है ठीक है कोई कोरोजिन का खतरा नहीं है आपको सिमिलरली ये जो है ड्यूरेबल भी काफ़ी ज़्यादा होता है मोर ओवर ये बायोडावर्सिटी के लिए अच्छा है ठीक है कंटामिनेशन ऑफ वाटर नहीं होता मैनेजमेंट इसकी बड़ी इजी है सो दैट्स वाई इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेजर टू मेक डैम्स ठीक है सो so ये अभी रबर डैम जो है इंडिया का जो लार्जेस्ट अभी बना है वो आपका बिहार में बना है ठीक है अगेन एडवांटेजेस मैंने आपको बताए थे कि फ्लेक्सिबल बैरियर है अगर आपको कभी लगता है कि आइस वगैरह है या कोई दिक्कत है तो आप उसको मतलब आइस वगैरह अगर आ रही है तो आप उसको फ्लैट करके सिमिलरली उसको पास ऑन करने के लिए छोड़ सकते हो आप उसको जो आपका ये कॉन्क्रीट डैम है इसमें आप उस चीज़ को नहीं कर सकते ठीक है देन वाटर लेवल को मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट करने के लिए ऑटोमेटिक automatic, ऑटोमेटिकली आप इसे यूज़ कर सकते हो ज़्यादा है तो आप इसको क्या करो इन्फ्लेट कर दो सिमिलरली अगर कम है वाटर तो आप इसको डिफ्लेट कर दो एज पर द नीड ठीक है सेफ़ ऑटोमेटिक है फ्लड मैनेजमेंट के लिए ठीक है हंड्रेड मीटर आपका सिंगल बन जाता है जैसे मैंने आपको बताया ठीक है इकोनॉमिकली जो है बेनिफिशियल है ठीक है स्ट्रेट और कर्व दोनों के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं डेन वन पीस में बन सकता है जॉइंट्स अननेसेसरी चाहे और द, uh, क्या कहते हैं आपका जो लास्ट पॉइंट है दैट इज़ नो लाइबिलिटी आप अगर इसको एक बार लगा देते हो तो इट इज़ डन इसके बाद थोड़ी बहुत मैनेज मतलब जो इसकी मेंटेनेंस है उसकी आपको जरूरत मतलब करनी पड़ेगी बट अपार्ट फ्रॉम इट इसमें इतनी ज़रूरत आपको नहीं पड़ती जितनी आपको एक नॉर्मल कॉन्क्रीट डैम में पड़ती है ठीक है सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज जो हमारी हो गई है अब हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसमें इंडिया का जो पोजीशन है वो अब स्लिप कर गई है ठीक है कितनी स्लिप कर गई है 130 से 132 थर्टी टू सो वो आपकी टू पॉइंट्स जो है स्लिप कर गई है करंटली जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया है इसमें क्या हुआ है कि अगर आप ओवरऑल भी देखें सो ओवरऑल जो आपका थ्रू आउट द वर्ल्ड की जो एवरेज है वो भी जो है एच की वो गिर गई है रीजन बींग उसका जो एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन आपका रहा है दैट इज वन ऑफ द पैरामीटर दिस वन जो है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ अब इसमें क्या हुआ है कि ये आपका जब आप डिसाइड करते हो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को तो ये आपके चार पैरामीटर होते हैं फर्स्ट वन इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ठीक है देन एक्सपेक्टेड इयर्स ऑफ स्कूलिंग मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड ग्रॉस नेशनल इनकम चारों पॉइंट्स को मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी अभी सो so, पहले हम बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ सो रिसेंटली एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी की वजह से ठीक है आपका जो एच है वो एवरेज काफी ज्यादा डाउन फॉल पे चला गया है जो पहले एवरेज आता था वर्ल्ड का उसके उसके कंपेयर में काफी ज्यादा डाउन फॉल चला गया है रीजन बिंग की हमने रिसेंटली कोविड देखा है ठीक है कोविड में क्या हुआ है एक्सपेक्टेंसी जो बर्थ मतलब जो एक्सपेक्ट एक्सपेक्टेंसी जो लाइफ है ठीक है एक्सपेक्टेंसी लाइफ की जो है वो जो है आपकी अल्टीमेटली उस रीज़न से क्या हो गई है डिक्रीज हो गई है और इस वजह से जो आपकी एवरेज है वो भी आपकी डिक्रीज हो गई है सिमिलरली एच में जो मेजर डाउनफॉल आया है वो आपका किसके रीजन से आया है थ्रू आउट द वर्ल्ड इसी एक फैक्टर के रीजन से आगे हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग जिसमें हम स्कूलिंग की बात करते हैं कि कितना कितने लोग हैं जो स्कूलिंग की तरफ जा रहे हैं देन मीन ईयर स्कूलिंग कितने ईयर के लिए स्कूलिंग के लिए जा रहे हैं देन देर इज ग्रॉस नेशनल इनकम जी एन आई हाउ मैनी ऑफ यू नोज द कॉन्सेप्ट ऑफ जी एन आई पहले बताओ कितने कितने लोगों को इधर पता है ग्रॉस नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट के बारे में अबाउट जीएनआई कितने लोगों को पता है तो चलो मैं इसको आपको एक बार इलेबरेट कर देती हूं जीएनआई so, आपका बेसिकली क्या होता है जीएनआई आपका होता है जीडीपी माइनस आपका जो क्या कहते हैं जो इंडिया के Uh, जो आपके सॉरी प्लस जो आपके इंडिया के जो सिटीजन्स हैं जो वो फॉरन में कमा रहे हैं ठीक है जिसमें आपकी जो पेमेंट आ रही है जिसको हम फॉरन रे, रेमिटेंसेंस भी बोल सकते हैं ठीक है जो आ रहे हैं अपार्ट फ्रॉम इट जो माइनस करेंगे हम जो आपका uh, इधर दूसरे कंट्री के लोग जो आपके इधर कमा रहे हैं ठीक है दूसरी कंट्री के सिटीजन जो आपके इधर कमा रहे हैं तो वो अपने देश में भेज रहे हैं सो ग्रॉस नेशनल इनकम में हम उसे कर देते हैं माइनस ठीक है सो ये आपका जीएनआई बेसिकली कॉन्सेप्ट है जीडीपी माइनस जो आपके फॉरेन में आपके लोग कमा रहे हैं सिटीजन्स ठीक है और जो आपके आ, क्या कहते हैं आ, वो जो फॉरेन के लोग इंडिया में कमा रहे हैं सो दिस इज वर्ड बेसिकली जी एन पी जी एन आई ठीक है ग्रॉस नेशनल इनकम ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं रिपोर्ट जो रिलीज करी है किसने करी है यू ने ठीक है यू के थ्रू की गई है ये प्री कोविड लेवल जो था एच डी आई वैल्यू उसकी सिक्स फोर्टी टू थी ठीक है उसके बाद टू थाउजेंड नाइनटीन में भी ये सिक्स फोर्टी फाइव से सिक्स फोर्टी टू आ गई थी तो इस तरीके से जो इंडिया है वो कंजेक्टिवली दो ईयर से जो अपनी एच डी आई इंडेक्स में है अपनी जो लोअर जाता जा रहा है डिक्लाइन पे जाता जा रहा है ठीक है अब ये जो बेसिकली है जो आपकी एच है आई आपका एस जो आपके चार गोल जो आपने चार इसमें पैरामीटर देखे हैं वो आपके एस भी हैं ठीक है सो so, उन्हीं के ऊपर बेस्ड ये बनती है रिपोर्ट देन हम बात करते हैं एक्सआर टेक्नोलॉजी की एक्स आपकी बेसिकली क्या होती है इट इज एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड रियलिटी ठीक है फुल For, फॉर्म इसका क्या होता है एक्सटेंडेड रियलिटी जहां हम बात करते हैं एक्स आर इज बेसिकली वॉट इट इज अम्ब्रेला टर्म अम्ब्रेला टर्म मतलब इसके अंडर आपकी वी

बीच में आपके वी आर वाले जो है प्रॉपर हेड गियर भी चल गए थे जो आपके लिए एक मतलब वर्चुअली एक ऐसा पूरा एटमोस्फेयर जो है या पूरा एकदम बैकग्राउंड क्रिएट कर देते हैं देन हम बात करते हैं ऑगोमेंटेड रियलिटी दैट इज़ ए आर सो ए आर में क्या होता है आपको सेंसेशन भी उसी चीज़ की आती हैं रिसेंटली कुछ कुछ सिनेमा थिएटर जो है वो ऐसे बन चुके हैं जो ए आर पे वर्क कर रहे हैं वहाँ पर अगर आप मूवी देखने जाओगे तो विल गेट टू फील एवरी थिंग ठीक है जो हवा आ रही है वो भी आपको फील होगी ठीक है देन जो ऊपर से सपोज बारिश हो रही है मूवी में तो वो भी आपको फील होगी तो इसमें जो है आपकी सेंसेशन भी काम करती है जब हम बात करते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी की और जहां हम बात करते हैं वीआर की तो वहां पे एक वर्चुअल बैकग्राउंड बनाया जाता है काइंड ऑफ रियलिटी उसमें आपकी सेंसेशन जो है वो काम नहीं करते और जहाँ हम बात करते हैं एम की मिक्सड में उसमें आपकी दोनों को ही यूज किया जाता है सो so, ये आपकी टेक्नोलॉजी है दैट इज एक्स सो रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हब ठीक है ये जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हब है अलॉन्ग विद द मेटा ठीक है अलोंग विद द मेटा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक्सआर टेक्नोलॉजी के लिए आपका स्टार्टअप एम टू क्रिएट द नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप फोकसिंग ऑन एक्सटेंडेड रियलिटी टेक्नोलॉजी ठीक है इनके लिए ताकि आप एक्सआर के जो एरिया है उसमें आप थोड़ा और डेवलप कर सकें उसको आप यूजफुल बना सकें ठीक है जिसके अंडर ये आपको क्या करेंगे अर्ली स्टेज इनोवेशन जो भी स्टार्ट हुए हैं इनोवेशन के जो ट्रायल्स चल रहे हैं उनसे लेके जब तक वो एक वर्किंग इक्विपमेंट नहीं बना देते तब तक बेसिकली उन्हें फंड करेंगे ठीक है कितना फंड मिलेगा इसके अंडर 20 लाख का फंड मिलेगा ठीक है और किस सेक्टर में हम एक्सआर को बेसिकली बढ़ाना चाह रहे हैं हम सिर्फ एजुकेशन लर्निंग स्किल हेल्थ केयर गेमिंग एंटरटेनमेंट एग्रीटेक क्लाइमेट एक्शन टूरिज्म एंड सस्टेनेबिलिटी हम एक्स को इन चीज़ों में यूज करने की कोशिश करेंगे और उसी के लिए ये जो स्टार्टअप हब है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद द मेटा इन्होंने ये एक नया इनिशिएटिव जो है लॉन्च करा है ठीक है अब फर्स्ट एटी इनोवेटर्स जो होंगे उनको शॉर्ट लिस्ट करके बूट कैंप के अंडर ट्वेंटी लाख प्रोवाइड करा जाएगा ठीक है एक्स टेक्नोलॉजी क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया है इधर ठीक है अब हम आगे चलते हैं सो so, जिमिक्स जिपिन जिमिक्स क्या है जापान इंडिया मेरी टाइम एक्सरसाइज ठीक है क्या है ये जिमिक्स जापान एंड इंडिया मेरी टाइम एक्सरसाइज अब ये बेसिकली आपकी कहां पे हुई है बे ऑफ बंगाल में हुई है इसके दो फेज थे वन एट द सी लेवल एंड द सेकेंड वन इज एट द हार्बर लेवल ठीक है जो आपका विशाखापट्टनम में कंडक्ट हुआ है ठीक है अब हम बात करते हैं ये कौन सा एडिशन था इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द से फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द दिक्स एडिशन ऑफ जिमिक्स ठीक है छठी बार ये हुई है देन वन मोर थिंग अबाउट इट इज की जो फर्स्ट जिमिक्स हुई थी वो आपकी कब हुई थी 2012 में हुई थी तो इसको जिमिक्स एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हुए हमें पूरे दस साल हो गए हैं विद जापान ठीक है और ये आपका क्या बेसिकली बताएगा सेवेंटी ईयर्स हमें हो गए हैं अलोंग विद जो हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस आपके बना रखे हैं जापान के साथ उनको उनके सेवेंटी ईयर्स को ये मार्क करता है ठीक है देन हम बात करते हैं इंडियाज़ फर्स्ट सेटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस इससे पहले एक बार जिमिक्स के बारे में और बात बताती हूँ मैं आपसे खुद भी पूछती हूँ सो so, जिमिक्स बेसिकली क्या है आपने अगर इंडिया जापान के बारे में बात करी ठीक है सो so, ये क्या है आपके जो कंट्री टू कंट्री रिलेशंस है ठीक है इंटरनेशनल रिलेशन जिनको हम बेसिकली बोलते हैं उनके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये किस तरीके से काम करेगी ठीक है मेरी टाइम सिक्योरिटी को लेके जो क्योंकि जितनी भी मेरी टाइम एक्सरसाइजेज होती हैं इसमें क्या होता है दोनों की जो नेवी है वो आती है ठीक है वो आमने सामने आती है और वो एक्सरसाइज परफॉर्म करती है जिसमें हम दिखाते हैं कि हमारे पास कितनी चीजें हैं हाउ मच यू कैन शेयर तो वो शेयरिंग उधर चल रही होती है ठीक है सो अब इसमें क्या होता है कि एक तो आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन आपके अच्छे हो जाते हैं अलॉन्ग विद डैट आप जो है दूसरों से भी कुछ सीखते हो आप उन्हें भी कुछ सिखाते हो ठीक है ये तो कुछ उसके मतलब माइनर पॉइंट्स है जो हर कोई समझता है ठीक है आगे आप बताओ कि आप इसमें क्या समझते हो कि इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं जिमेक्स के ठीक है जिमेक्स जो आपकी एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट आई एल रीड देम ठीक है उसके बाद हम देखते हैं जिसका भी मेरे को लगा कि बहुत अच्छा कमेंट है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंट है किसी और ने नहीं बताया है आई एल रीड आउट ठीक है आई एल रीड आउट ठीक है I'll give him or her a shout ठीक है so I'll read out. So the fifth one is India's first satellite broadband service. Please, आप अपना सोचते रहिए ब्रेन स्ट्रॉम करिए मेरे को कुछ नया आइडिया चाहिए आंसर राइटिंग में यही चीज आपकी काम करेगी इससे आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जो है वो हो जाएगी सो so, मैंने सोचा है कि ये सेशन मैं अब रखूंगी सो दैट यू विल गेट टू ब्रेन स्ट्रॉम एंड विल गेट टू नो द थिंग्स पैसिव लर्निंग से कुछ नहीं होता मैं समझा रही हूँ आप समझ रहे हो दिस इज नथिंग इससे कोई फर्क नहीं पड़ता थोड़े टाइम आपको आप भूल आप भी जाओगे जब तक आप खुद समझ के रिलेट करके एसोसिएट करके नहीं पढ़ोगे ठीक है देन हम बात करते हैं इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस की ठीक है इंडिया ने अभी रिसेंटली सैटेलाइट लॉन्च करने की बात करी है जिसके थ्रू हम ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करेंगे ब्रॉडबैंड सर्विस आपकी क्या होती है बेसिकली इंटरनेट सर्विस होती है ठीक है सेटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर ह्यूग कम्युनिकेशन ठीक है कौन किसके थ्रू ह्यूग कम्युनिकेशन विद इसरो ठीक है उन्होंने रिसेंटली बात करी है कि इंडिया जो है अ फर्स्ट सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस जो है वो प्रोवाइड करेगा थ्रू द हाई थ्रू पुट सेटेलाइट जिसको हम बोलते हैं एच ठीक है अब एच और आपकी जो नॉर्मल सेटेलाइट होता है इनमें फर्क क्या होता है ठीक है वो भी हम बताएंगे सो हम आगे देख लेते हैं अब एम इसका क्या है कि हाई स्पीड ब्रॉडबैंड मिल सके ब्रॉडबैंड सर्विसेज मिल सके अक्रॉस द रूरल एरियाज़ एज वेल ठीक है इंडिया में ऑलरेडी जो आपके इंटरनेट की कनेक्टिविटी है काफ़ी अच्छी हो गई है लेकिन रूरल एरियाज़ में अभी भी नहीं हुई है अपार्ट फ्रॉम इट अगर हम बात करें जो हमारी नॉर्मल इंटरनेट सर्विसेज अभी चल रही हैं उन पे अगर कुछ ज़्यादा लोग अगर लॉग कर लेते हैं ज़्यादा लोग एक साथ कम कर रहे होते हैं तो उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है सो so, इस वजह से हमें हाई स्पीड चाहिए चाहे गवर्नमेंट ऑफिशल्स हो ठीक है चाहे आपके मतलब चाहे गवर्नमेंट ऑफिस ऑफिसिज हो चाहे आपके नॉर्मल प्राइवेट ऑफिसिज हो हर किसी को अभी एक हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत है तो इसके थ्रू हम वही इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं एक ऐसा नेटवर्क जिसमें हाई स्पीड हो जो इंक्लूजन करे किन का रूरल एरियाज़ का एज वेल एज़ अर्बन एरियाज़ का ठीक है थ्रू आउट द कंट्री हम ऐसा ब्रॉडबैंड जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं अब हाई थ्रूपुट सैटेलाइट बेसिकली आपकी क्या होती है कन्वेंशनल सैटेलाइट से ये डिफर होती है क्यों डिफर होती है क्योंकि इसमें जैसे आप जो ब्रॉडबैंड है उसकी आप स्पीड किस तरीके से मेजर करते हो ठीक है आई वॉन्ट टू नो कि आप ब्रॉडबैंड की स्पीड किस तरीके से मेजर करते हो बहुत एक लेमन टर्म है हम सब क्या देते हैं एम ठीक है एम बोल देते हैं हम ठीक है दैट इज मेगावाइट पर सेटेंड ठीक है अब इसमें क्या होता है आपको पता है कि आप वो यूज किसके लिए कर रहे हो आप जब उसे यूज कर रहे हो तो दैट इज अट फॉर द मेजरमेंट ऑफ बैंडविथ ठीक है बैंडविथ जो होता है उसकी मेजर के लिए जो आप यूज करते हो ठीक है दैट इज बैंडविथ उसके लिए हम यूज करते हैं यूनिट दैट इज एम आप बोलते बहुत तो एम बी पी आपको पता है उसका मतलब आप क्या चीज़ उससे मेजर कर रहे हो इंटरनेट की स्पीड मेजर कर रहे हो और इंटरनेट की स्पीड आपकी बताती है बैंडविट बैंडविट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बैंडविट इज बेसिकली द डाटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय द इंटरनेट अलोंग अ पर्टिकुलर टाइम दैट इज पर सेकेंड हमने बात करी तो एक सेकेंड में जो आपका डाटा है वो कितना इस इंटरनेट के थ्रू अपलोड या डाउनलोड हो रहा है इसीलिए हम जब भी इंटरनेट की स्पीड बात बात करते हैं स्पीड की तो हम एक तो अपलोड स्पीड की बात करते हैं उसी के साथ साथ हम डाउनलोड स्पीड की भी बात करते हैं तो डाउनलोड स्पीड में क्या आएगा कि कितना डाटा वो डाउनलोड कर रहा है पर सेकेंड और कितनी स्पीड में वो डाटा अपलोड कर रहा है पर सेकेंड सो दैट इज़ कंसिडर एज अ बैंड वर्थ उसको हम क्या बोलते हैं बैंड वर्थ बोलते हैं तो आप टर्म्स को यूज़ कर रहे हैं टर्म्स का मतलब समझिए ठीक है उसको एम बी पी एस आपकी बैंड बिट की बेसिकली क्या होती है यूनिट होती है अब जो हाई थ्रोपुट सेटेलाइट होगी ये आपकी कॉस्ट पर बिट को घटा देगी कॉस्ट पर बिट को घटा देगी ठीक है जो आपकी अभी रिसेंट कॉस्ट चल रही है पर बिट जो आपकी जाती है उसको काफ़ी हद तक ये क्या करेगी डिक्रीज कर देगी ठीक है अपार्ट फ्रॉम इट एच टी एस रिफर्स टू सेटेलाइट कनेक्टिविटी बैंडविथ तो है, जो है इसकी वो हाई होगी अगेन एम जो है फिर इसकी एम स्पीड क्या होगी बढ़ जाएगी ठीक है सो क्योंकि इसकी बैंडविट जो है वो काफी ज्यादा हाई है अब इसमें इसके जो बैंडविट है वो हाई क्यों है उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ जब सेटेलाइट काम करती है ठीक है जब भी कोई सेटेलाइट काम करती है तो सेटेलाइट काम करते टाइम डाटा आपका कैसे उठाती है यहाँ आपकी सेटेलाइट होती है ठीक है ये आपका सपोज इधर आपका हो गया डाटा ठीक है ये आपका डाटा है ठीक है तो so, सॉरी मैं थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट बना देती हूँ तो दिस इज वॉट योर डाटा ठीक है अब एक जो कन्वेंशनल सेटेलाइट होती है वो क्या करती है उसका जो बीम होता है ना डाटा पिकअप करने का वो डाटा पिकअप करती है ऐसे बीम के थ्रू ठीक है कि इतना डाटा जो है आई एल पिकअप ठीक है ये क्या है उसकी बीम है जिसके थ्रू वो डाटा जो है पिकअप कर रही है बैंडविड्थ के उसमें अब जब हम कन्वेंशनल की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है वो डाटा ना ऐसे बीम में कंडक्ट करती है और बीम की जो ये जो चौड़ाई है बीम की जो फैलाने में है तो वहां पे क्या होता है बी, बीम की जो चौड़ाई है वो होती है बहुत ज्यादा बीम जो एरिया कवर करता है बेसिकली वो क्या होता है आपका ज्यादा होता है तो उससे क्या होता है कि अब सपोज इतने लोग हैं इसके अंडर इधर दो लोग हो गए ठीक है दो तीन चार पाँच बहुत सारे लोग हो गए अब ये सब इसी सेम बीम से डाटा जो है अपना ट्रांसफ़र कर रहे हैं यही एम जो यूनिट है वही आपके पास है उसी बैंडविड्थ में सब आपका जो डाटा है वो अपलोड या डाउनलोड कर रहे हैं अब क्या होगा स्पीड तो कम होगी दैट्स हाउ इट वर्क ठीक है स्पीड बेसिकली आपकी कम हो जाएगी सिमिलरली अगर हम बात करते हैं आपकी एच टी एस की एच टी एस इसमें क्या है कि ये अगर एच टी एस सेटेलाइट है सो तो ये आपकी एक पर्सन से या एक यूनिट से जब डाटा उठाएगी तो ये सिर्फ एक से ही उठाएगी और ये ऐसे ऐसे मल्टीपल बीम से काम करेगी ठीक है ऑल दो दिसो है मल्टीपल बीम्स ठीक है मल्टीपल बीम्स तो इसके पास भी हैं लेकिन अगेन इसके जो बीम्स हैं वो कैसे हैं इसके बीम्स एरिए में बहुत ज्यादा है उस वजह से क्या है कि डाटा जो है वो हिंडर हो जाता है आपकी जो कनेक्टिविटी में जो है इशू आ जाता है हर्डल्स क्रिएट हो जाते हैं ठीक है थीके? तो ये बेसिकली आपका होता है कई बार आपने देखा है कि जब हम कॉल कनेक्ट करते हैं तो किसी और को कॉल कनेक्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ इट ठीक है ये चीजें इसी तरीके से काम करते हैं ये इस रीजन से होता है क्योंकि ये वाला कन्वेंशनल टाइप से हम चल रहे हैं अब एच अगर है तो एक पर्सन से या एक यूनिट से जो डाटा उठ रहा है वो सिंगल बीम के थ्रू उठ रहा है ठीक है सो दूसरे बीम से क्या जा रहा है उसका कोई मतलब नहीं है ठीक है हैंस डाटा मिक्स मैच नहीं होगा डाटा आपका जो आपकी क्या कहते हैं डाटा की जो स्पीड है वो आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी ठीक है सो दैट्स हाउ इट विल वर्क सो इस वजह से जो आपकी एच है वो जो है आपकी ज़्यादा हाईली वर्क करती है रादर देन द Uh, आपकी जो कन्वेंशनल है इसलिए उसकी जो आउटपुट है वो ज़्यादा है उसकी जो एम स्पीड होगी बैंड विथ होगी वो ज्यादा होगी कंपेयर टू द दिस वन और जो आपकी हाई uh, एच है उसको हम स्पॉट बीम टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं स्पॉट बीम क्यों ये एक स्पॉट पे बीम डालती है और वहीं से उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन उठाती है ना कि दूसरे के थ्रू ठीक है दैन हम बात करते हैं वुमेन इन इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक टेक्नोलॉजी सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपका आई स्टेम एक इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया हुआ है जिसके अंडर इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ को रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बेसिकली बढ़ाने की बात की जा रही है और इसके अंडर बहुत सारे इनिशिएटिव रिगार्डिंग दिस लिए भी जा रहे हैं ठीक है अभी रिसेंटली एक नया इनिशिएटिव लिया गया है दैट इज बेस्ट उसका फुल फॉर्म होता है वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसमें क्या है वुमेन्स को इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं ठीक है अब वेस्ट इनिशिएटिव के अंडर विमेंस की बात हुई है तो वुमेन रिसर्चर साइंटिस्ट जितने भी हैं जो करियर को पर्स्यू करना चाह रहे हैं ऐसे इंजीनियर उन सबको हम बढ़ावा देंगे किसके इसका एक पोर्टल बन जाएगा पोर्टल के ऊपर उन्हें आपको क्या मिलेगी डिटेल्स मिल जाएंगी ठीक है ट्रेनिंग मिलेगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे बढ़ने के लिए ठीक है सो वो सारी चीजें होंगी सिर्फ इतना याद रखो कि ये वाली जो आई आई किसके लिए वेस्ट थी अब वेस्ट से आप फुल फॉर्म जो अगर कुछ आप डिकोड करना चाहो तो इट इज टफ ठीक है आप वेस्ट से कुछ ऐसा डिकोड नहीं कर पाओगे आप हो सकता है आप आ, वेस्ट पॉलिसी कुछ ऐसा डिकोड कर लो कुछ भी हो सकता है सो so, इस रीज़न से आप सिर्फ याद करो कि इसका जो फुल फॉर्म है इसका आपका क्या है विमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी सो ये चीज़ याद करो क्या काम कर रहा है आईस टाइम के अंडर है आई इस टाइम को मैंने अगेन यहाँ पीपीटी में लिख दिया है कि क्या है सो so, ये आपको मैं समझा भी चुकी हूँ तो आपको ये पीपीटी बेसिकली मिल जाएगी देन हम बात करते हैं कीरत पारिक कमेटी अब कीरत पारिक कमेटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली आपकी कॉन्स्टिट्यूट करी है इसके अंडर क्या है कि बेसिकली आपको खुद पता है कि एल बी जी एल पी जी जो आपकी गैस है जिस पे आप खाना बनाते हो कुकिंग गैस जो बेसिकली है उसके प्राइस जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं बढ़ते ही जा रहे हैं मतलब देर वॉज अ टाइम जब वो फोर हंड्रेड का सिलेंडर था टू फिफ्टी का सिलेंडर था नाउ इट इज़ अ टाइम एक हज़ार पचास का सिलेंडर आ रहा है ठीक है सो ये क्या है इन्फ्लेशन हो रहा है एक नॉर्मल अगर हम बात करें एक जो आपके मिडिल लेवल हैं जो मिडिल इनकम वाले लोग हैं उनके लिए ये चीज़ अफोर्ड करनी अब मुश्किल हो गई है तो अगेन इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा सब्सिडीज़ के बाद भी इसे अफोर्ड करना थोड़ा अब मुश्किल हो गया है ठीक है सो इसके लिए उन्होंने बेसिकली एक कमेटी फॉर्म करी है दैट इज़ कीरित पारिक कमेटी ठीक है किसके लिए एल गैस प्राइस के राइस को देखने के लिए कि ये कैसे हो रहा है अब इसके अंडर क्या है आपका कि इस कमेटी में क्या है जो फॉर्मूला है जिसके थ्रू ये डिसाइड करते हैं गैस की प्राइसिंग कि आप कितना एक सिलेंडर के लिए चार्ज करोगे उसको रिव्यू करने के लिए बोला गया है साथ ही साथ आपका कमिटी आ, को ये भी बताना है कि एक फेयर प्राइस जिसके ऊपर मतलब एक फेयर प्राइस फॉर द एंड कंज्यूमर बेसिकली जो आपके उपभोक्ता हैं उनके लिए एक एंड प्राइस आप बता दो सो so दैट आपकी जो कंपनीज हैं वो भी लॉस में ना जाए ठीक है और जो उपभोक्ताज हैं उनके ऊपर उपभोक्ता जितने भी हैं उनके ऊपर भी आपका या आपके कंज्यूमर जो है उनके ऊपर भी जो बर्डन है वो जो है वो थोड़ा कम हो सके ठीक है सो ये आपका किरित पार्थिक पारिक कमिटी की बात हुई है और ये आपकी वन मंथ के अंडर इन्हें बोला गया है कि आप वन मंथ के अंडर जो रिपोर्ट है उसको आप दे दो ठीक है आप रिपोर्ट दे दो देन वी विल ट्राई कि आपने जो भी रिकमेंडेशन दी है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं क्योंकि जब भी कोई कमेटी बनती है सो तो देखो कमेटी क्या देती है सजेशंस देती है ठीक है रिकमेंडेशन बेसिकली देती है अब रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करना या ना करना वो आपका किसके किसके ऊपर होता है गवर्नमेंट के ऊपर चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की कमेटी है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी है तो उसके ऊपर वो चीज़ बेस्ड है कि वो चाहती है उसे एक्सेप्ट करना या नहीं चाहती ठीक so, totally है सो वो टोटली डिस्क्रिशनरी है सो इसके अंडर आपका वन मंथ में जो रिकमेंडेशन है वो आपकी आ जाएंगी होपफुली आपके करंट में मैं ये कराऊंगी नेक्स्ट टू नेक्स्ट जब भी आती है वन मंथ बाद ठीक है देन उसके बाद वो कितनी एक्सेप्ट होती हैं कितनी नहीं होती हैं वो हम देखेंगे देन हम बात करते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप की सो so, देखो जेम्स वेब जो आपका टेलीस्कोप है ये एक तो आपका नासा एडमिनिस्ट्रेटर के जो नासा आपकी आपकी जो नासा ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो एडमिनिस्ट्रेटर थे जेम्स ई वेब ठीक है उनके नेम पे बनी है उन्होंने अपोलो जेमनाई एंड मर्करी मिशन को हेड किया था 1961 से लेके 1968 तक उनके नाम को लेके आपका एक टेलीस्कोप बना है दैट इज़ जेम्स वेब टेलीस्कोप अब जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो आपके हबल टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप क्या है देखो दोनों टेलीस्कोप बताती हूँ ये दोनों टेलीस्कोप जो है वो आपके कौन से वाले टेलीस्कोप हैं ये हैं आपके स्पेस टेलीस्कोप ये काम करते हैं स्पेस में इनको रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया जाता है स्पेस में एक ऐसी जगह पे जिसको हम बोलते हैं लेग रेंज क्या बोलते हैं उसे हम लेगरेंज कहाँ है आपका सॉरी uh, मैं लिखी देती हूँ ठीक है उसको हम बोलते हैं लेग रेंज ऑर्बिट ठीक लेगरेज पॉइंट ठीक है orbit, uh, point, अब लैगरेज पॉइंट में आपका क्या होता है लेगरेज पॉइंट ऐसा एरिया है ठीक है आपके मन में ज़रूर क्वेश्चन होगा कि लैंग्रेज पॉइंट क्या होता है आप में से कितने लोग हैं जो साइंस से हैं जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इन सब को जानते हैं ठीक है सो पहले मैं बता ही देती हूँ ठीक है मुझे नहीं पता कितने लोगों का साइंस से बैकग्राउंड है और वरना मैं टर्मिनोलॉजी इधर बोल दूंगी एंड अंडरस्टैंड करनी मुश्किल हो जाती है ठीक है कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी तो पहली एक चीज़ होती है सेंट्री फ्यूगल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है जब आप एक रस्सी पे पत्थर बांध के घुमाते हो ठीक है सो पत्थर क्या है वो बाहर की तरफ रोटेट करता है ठीक है सो ये जो फोर्स इसमें अंदर से बाहर की तरफ लग रहा है जिसमें से पकड़ रखा है ठीक है वो आपका बेसिकली क्या होता है सेंट्री फ्यूगल फोर्स जिसमें अगर आप घूमते घूमते उसे छोड़ोगे तो वो कहीं दूर जाके गिरता है तो ये क्या था आपका सेंट्री फ्यूगल फोर्स जो अंदर से आपका बाहर की तरफ बेसिकली लग रहा था जो आपका ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा था यह आपका पॉइंट था इस साइड लग रहा था तो ये क्या होता है सेंट्री फ्यूगल फोर्स जो आपका सेंटर से बाहर की तरफ लगता है और जब कोई चीज घूमती है तो उसमें वर्क करता है अपार्ट फ्रॉम इट आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पता होगा ठीक है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है ठीक है या जिसको हम ग्रेविटी बोल देते हैं ठीक है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है जो भी आपको कुछ प्लैनेट्स जो आपकी बॉडीज़ हैं जो मतलब आपकी जो प्लैनेट्स हो गए स्टार्स हो गए इन सब के पास क्या है ग्रेविटेशनल पुल है जिसकी वजह से इट मतलब ये जो है अपने अपनी तरफ हम सबको क्या करती है अट्रैक्ट करती है ठीक है खींचती है ग्रेविटेशनल पुल अगर मैं यहाँ क्या कहते हैं ज़मीन के ऊपर खड़ी हूँ सो so, किसकी वजह से खड़ी हूँ आपकी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अगर वो ना हो तो जैसा मून पे है मून पे क्या है ग्रेविटेशनल पुल जो है वो कम है तो वहां पे इट्स नॉट इजी टू स्टेप ठीक है स्टेप नहीं कर सकते आप जब तक ग्रेविटेशनल पुल ना हो आपको नीचे की तरफ खींच रहे तभी वो चीज़ होगी ठीक है सो ग्रेविटी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ठीक है अब ये क्या है जो ग्रेविटेशनल पुल है ये ऐसा नहीं है कि हम तक ही सीमित है ग्रेविटेशनल पुल हर एक बॉडी का है जो आपकी जितनी भी आपकी सोलर सिस्टम में बॉडी है हर के पास थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत जो है वो आपका ग्रेविटेशनल पुल है चांद पे ऐसा नहीं है है चांद पे है बट अर्थ से जो है कम है है देन अगेन सूरज के पास हाँ, उसके पास उसके भी ग्रेविटेशनल पुल सो so, हम बात करते हैं लेग रेंज की ठीक है और ये आपका बेसिकली स्पेस पे भी एक्ट करता है तो लेग रेंज की जब हम बात करते हैं लेग रेंज पॉइंट की so लेग रेंज पॉइंट आपका ऐसा होता है जैसे आपका सोलर सिस्टम है तो ये आपका हो गया सन ठीक है यह आपका हो गया सन अपार्ट फ्रॉम इट अगर हम बात करें ये वाला ऑर्बिट सपोज अर्थ इस ऑर्बिट में इट इज अर्थ ठीक है ये क्या हो गई आपकी अर्थ अब जब प्लेनेट सोलर सिस्टम में मतलब जो आ, सन है उसके अराउंड जब घूम रहे हैं तो क्या होता है कि एक तो ये वाला पुल लगता है दैट इज़ वॉट आपको भी बताया सेंट्री फ्यूगल फोर्स ठीक है ये वाला फोर्स लगता है अपार्ट फ्रॉम इट एक और फोर्स लगता है जो एक तो ये वाली बॉडी है ये अपनी तरफ खींच रही होगी इसका ग्रेविटेशनल पुल ठीक है देन एक ये वाली बॉडी है ये भी अपनी तरफ क्या खींच रही होगी अपना ग्रेविटेशनल पुल दे रही होगी तो मतलब चारों तरफ ठीक है ग्रेविटेशनल पुल भी होगा प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगा तो दो तरीके के फोर्स यहाँ क्या है जो एक्ट कर रहे हैं स्पेस में अब लेगरेज पॉइंट वो पॉइंट होगा जहां पर आपका ग्रेविटेशनल पुल और सेंट्री फ्यूगल जो आपका सेंट्री फ्यूगल पुल है वो इस तरीके से इक्वल हो जाएगा कि वो मूव नहीं करेगा देखो आप जब किसी दो चीज को खींचते हो एक इधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा है अगर इक्वली उस चीज को आप खींच रहे हो तो वो क्या होती है वो स्टेशनरी हो जाती है ना वो इधर जाती है ना इधर जाती है ठीक है सो दैट्स हाउ द बेसिकली फोर्स वर्क सो सिमिलर चीज इधर भी होगी लेगरेज पॉइंट सपोज इधर है अब एक सेंट्री फ्यूगल फोर्स लग रहा है इधर सिमिलरली एक स्ट्रेच फोर्स लग रहा है सन की तरफ जो उसे वापस खींच रहा है देन एक अर्थ की तरफ खींच रहा है अब ये क्या हुआ ये चीज यहाँ पे हो गई स्टेशनरी तो ये क्या होगा आपका लैगरेज पॉइंट हो गया अब लैगरेज पॉइंट पे हमने टेलीस्कोप को लगाया हुआ है चाहे आपका हबल टेलीस्कोप हो वो भी आपका लैगरेज पॉइंट पे ही गया था क्योंकि अगर ये मूवमेंट करता रहेगा तो पिक्चर जो है उनको क्लिक करने में इशू होगा कभी हमारे प्लेनेट उसके आगे आ जाएगा तो ऐसे चीजें होंगी सो तो अब ये क्या है लेगरेज पॉइंट जो पृथ्वी के हैं वो आपके पांच हैं एक ये है एक ये है और एक ये है चार आपके ये है सो दिस इज हाउ ठीक है अर्थ के जो है आपके पांच लेगरेज पॉइंट होते हैं ठीक ये वाला ये वाला ये ये और ये ये आपकी हो गई इधर आ, ये आपकी हो गई इधर अर्थ ठीक है हाँ ये आपकी हो गई इधर अर्थ और अर्थ का एक इधर है धन एक इधर है एक इधर, एक इधर एक इधर और एक आपका इधर अब ये चार पॉइंट ऐसे हैं जहां पे अगर आप किसी भी टेलीस्कोप या किसी भी सेटेलाइट को लॉन्च करते हो तो वो क्या रहेगी स्टेशनरी रहेगी ठीक है कैसी रहेगी स्टेशनरी रहेगी मूवमेंट तो करेगी मतलब बिल्कुल स्टेशनरी रहेगी सो दैट्स हाउ बेसिकली दैंगरेज वर्क ठीक है इसको हम लैंग्रेज पॉइंट बोलते हैं आई होप सबके लिए क्लियर है इसमें कुछ आपके पास हाई uh, मैं high... <laughs> नाम तो थोड़ा सही रख के आय करो भाई कैसे कैसे नाम रखे हुए ठीक है सो प्रेजेंट प्रेजेंट लिख के जाने जाने की नहीं हो रही है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे बता रही हूँ शायद और कोई आपको इतना अच्छे से ना समझा पाए ये चीजें और नहीं समझ आ रही तो डू कमेंट आई एल आंसर द जो भी आपके क्वेश्चन हैं उनको मैं आंसर करूंगी ठीक है सो ये जो है आपका जेम जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो यही लैगरेज पॉइंट पे आपका रखा गया है बिहाइंड द सन एंड अर्थ ठीक है सो इन्हीं पॉइंट पे आपका जो बेसिकली लॉन्च किया गया है अब इसने रिसेंटली क्या किया है इसने दी है पिक्चर्स ठीक है किसकी पहले हम ये देख लेते हैं कब कब कैसे कैसे इसको लॉन्च करा ठीक है एरियन एरियना फाइव जो आपका बेसिकली एक रॉकेट लॉन्च हुआ था उसके थ्रू ये गया है ठीक है लैगरेज पॉइंट पर ठीक है और वहीं पे तब से स्टेटिकली काम कर रहा है और एक गया कब है 2021 दिसंबर में ठीक है 2021 दिसंबर से गया हुआ है अब इसने अपनी फर्स्ट इमेजेस भेजी हैं ठीक है इमेजेस किसकी भेजी हैं इसने जुपिटर की और इसने जुपिटर की इंफ्रा रेड इमेजेस भेजी हैं ठीक है थीके? इंफ्रा रेड इन्फ्रा रेड अब इन्फ्रा रेड में क्या होता है कि इंफ्रा रेड वो है स्पेक्ट्रम विजिबल स्पेक्ट्रम की वो एरिया है जिसको एक ह्यूमन आइज़ नहीं देख सकती तो इसलिए जब ये इमेज हमको दी गई हैं तो इनको आर्टिफिशियली कलर किया गया है बाय रीडिंग द इंफ्रा रेड इमेज़ और इसमें बेसिकली इसने बताया है कि टू टाइनी मून्स हैं ठीक है जुपिटर के पास आपके टू टाइनी मून्स हैं फेंट रिंग्स हैं देन वहाँ पे जो एटमोसफेयर है उसमें औरोराज हैं औरोराज कहाँ पर है ऐडर नदर एड सदन पोल जैसे आपकी जो आपका क्या कहते हैं रशिया है रशिया में जो अपर साइड है जो आपका नदन पोल रीजन है उधर हमारे पास भी अरोराज लाइट दिखती है जो रात में ऐसे स्काई में चमकती है बहुत सुंदर होती है आप एक बार गूगल जरूर करिएगा इस चीज को बहुत सुंदर होती है मोस्टली जो लोग है वो अरोरा लाइट्स को देखने ही उधर जाते हैं अगर किसी को नहीं पता है तो ठीक है डू गूगल इट वो एक क्या है आपका एटमोस्फिर फिना है उसमें बहुत ही प्यारा मतलब इट्स समथिंग जिसको हम बोलते हैं ना कि काफी फैसिनेटिंग लगेगा वो आपको सो प्लीज डू गूगल इट ठीक है ओके सो आफ्टर दैट ये क्या है बेसिकली एक मंथ लग गया था इसको वहां पहुंचने के लिए और उसने अब रिसेंटली क्या भेजी है आपकी uh, <coughs> इमेजेस जो है वो भेज दिए जुपिटर की जिसमें आपको डिटेल्ड इमेजेस मिली हैं जो पहले इंफ्रा टेक्नोलॉजी से उसने भेजी हैं जिनको हमें आर्टिफिशियली कवर्ड करके दिखाया जा रहा है आप इन इमेजेस को भी जरूर गूगल करें इट इज समथिंग न्यू टू नो ठीक है नई नई डिस्कवरीज हो रही है जानने में अच्छा लगता है ठीक है सो हम बात करते हैं आगे नेचर इंडेक्स की अब नेचर इंडेक्स आपको नाम से लग रहा होता है डेट इज इज समथिंग रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी इन नेचर बट इज नथिंग लाइक दैट ये क्या है आपने यूनिवर्सिज यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटीज़ का इंडेक्स आता है इसके अंदर आपका क्या होता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितने जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रैंकिंग की बात की जाती है अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ बेंगलोर इस ईयर टॉप कर गई है और अमोंग द वर्ल्ड वो आपकी आई है सिक्सटीन नंबर पर ठीक है अमोंग द वर्ल्ड इट इज़ सिक्सटीन और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद सॉरी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो है उसने क्या किया है टॉप किया है अमोंग द नेचर इंडेक्स ठीक है अब नेचर इंडेक्स में क्या है हाई क्वालिटी रिसर्च जो नेचुरल फिजिकल और साइंसिस uh, को लेकर हुई है जैसे केमिस्ट्री लाइफ साइंस अर्थ इन्वायरमेंटल साइंसेस एंड फिज़िकल साइंसेस ठीक है इन सब के बारे में बात करेंगे जिस मतलब इस वाले एरिया में रिसर्च इन्होंने सबसे ज़्यादा करी है और बहुत अच्छी मतलब आपकी हाई क्वालिटी रिसर्च हैं अपार्ट फ्रॉम इट अगर इस इंडेक्स की बात करें तो ये कैसे आपका बनता है ये डाटा बेसिस देखता है कि जो आपका ऑथर है इन रिसर्च पेपर्स का वो कहाँ से बिलोंग करता है कौन सी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है एंड एज पर दैट ये उनको फॉर्म करता है ये जो डाटा है ये आपका मंथली जो है अपडेट होता है ठीक है मंथली ये लोग इसको अपडेट करते हैं और एनअली इसको रिलीज करते हैं किसको नेचर इंडेक्स को सो नेचर इंडेक्सेज का कुछ भी लेना देना नहीं है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से नेचर कंजर्वेशन से कुछ भी लेना देना नहीं है प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस गलती भी मत कर देना इस चीज़ की इट इज़ बेसिकली फॉर द यूनिवर्सिटी रैंकिंग ठीक है और किसने टॉप किया है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ठीक है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने इसमें टॉप करा है इंडिया इंडिया से और ये ऐसा सेकेंड टाइम है कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है उसने टॉप किया है उसने अपनी पोजीशन को सिक्योर करके रखा हुआ है ठीक है समथिंग टू बी प्राउड ठीक है मतलब आउट ऑफ इंडिया जो है उसने टॉप किया है ठीक है और जो आपका देन हम बात करते हैं इन कोवैक अब इन कोवैक क्या है इट इज़ डेवलप्ड बाय द भारत टेक ठीक है भारत बायोटेक अब भारत बायोटेक भारत ने ये आपकी कोवैक्सीन है ठीक है अब ये यूज़ कैसे होगी अब इससे पहले हम ठीक है सो ये आपकी यूज़ होगी किसके थ्रू ये यूज होगी आपकी नोज के थ्रू आप इसको इंजेक्ट कैसे करेंगे नोज से ठीक है इसका क्या है बेसिकली आपका ये इंट्रा नेसल है ठीक है नेसल कैविटी के थ्रू ये आपकी इंजेक्ट होगी अभी जो इसको अप्रूवल मिला है वो 18 प्लस के लिए मिला है उससे ज्यादा को मतलब उससे ज्यादा के मतलब उससे जो छोटी एज है बिलो 18 के लिए ये सूटेबल अभी नहीं बताई गई है उसके ऊपर आपके जो एक्सपेरिमेंट्स है वो कंडक्ट हो रहे हैं ठीक है रिसर्च चल रही है देन अप्रूवल कहाँ से आया है ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ठीक है डी जी सी डी सी जी आई और डी सी जी आई आपका क्या काम करती है बेसिकली ड्रग्स की रेगुलेशन करती है जो आपका प्राइजिंग होता है उन सब की रेगुलेशन करती है अप्रूवल्स देती है तो ये आपका डी सी जी डी सी जी आई का काम है ठीक है अब रिजल्ट जो है इसके काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं और इसको सिर्फ हाँ एक और चीज़ इसको सिर्फ इन द केस ऑफ इमरजेंसी यूज़ करने के लिए बोला है नॉर्मल के लिए नहीं नॉर्मल सिनेरियोस में नहीं नॉर्मल के लिए अभी भी आपकी जो आपके इंट्रावीनस इंजेक्शन जो आपके लग रहे हैं कोविड की वैक्सीन ठीक है कोवैक्सीन और जो कोशील्ड कोविडशील्ड आपको लग रही है वही आपकी है देन ये जो है ये आपका इमरजेंसी के केस के लिए बेसिकली अभी बोला है फॉर द 18 प्लस एंड नॉट द बिलो 18 सो दैट्स हाउ इट विल वर्क अब इसमें है क्या एक सेकेंड ये भी बता देती हूँ अब इसके अंडर क्या है आपका एडिनो वायरस है एडिनो वायरस फैक्टर किया हुआ है अब एडिनो वायरस क्या होता है एडिनो वायरस बेसिकली अगर नॉर्मल फॉर्म में हम देखें तो ह्यूमन के लिए आपको निमोनिया करा सकता है ठीक है आपको कोई भी जो रेस्पिरेटरी डिजीज है वो वो करा सकता है रेस्पिरेटरी डिजीज मतलब समथिंग रिलेटेड टू लंग्स जिसमें आपको सांस लेने में दिक्कत हो तो वो वो करा सकता है वैसे ये जो है वो हार्मफुल है बट इसको डीएक्टिवेट करके और इसको वेक्टर बना के वेक्टर क्यों बनाए हैं क्योंकि जब हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं ठीक है सो so, हमें कुछ चीज़ चाहिए होती है ठीक है कोई सेल ऐसा चाहिए होता है जो उसको आगे ले जाए वैक्टर बने ठीक है वैक्टर सो उससे क्या होता है वेक्टर क्या होता है कि, कि किसी भी चीज़ को अगर आपको मतलब भेजना है किसी भी एक कॉम्पोनेंट को किसी भी सेल को अबर, अगर आपको ह्यूमन बॉडी में भेजना है किसी भी ऑर्गेनिज्म में भेजना है तो आप वेक्टर का यूज़ करते हैं तो so यहाँ पे जो आपका एडिनोसाइन जो है एडिनो वायरस सॉरी एडिनो वायरस जो है उसको एज अ वैक्टर यूज़ किया गया है ठीक है और उसके थ्रू ये आपकी वैक्सीन जो है बेसिकली बनाई गई है देन हम बात करते हैं सिनेमेटिक टूरिज्म पॉलिसी की टू 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 के लिए लगी है बाय द गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जी हैं और ये इंडिया की फ़र्स्ट एवर सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी है फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सिनेमैटिक टूरिज्म की बात की गई है रीज़न मीन के गुजरात में जैसे वाइट डेजर्ट हो गया आपका कच्छ का देन आपका क्या कहते हैं शिवराजपुर की जो बीच है मतलब गुजरात में बहुत कुछ ऐसा है विच कैन बी एक्सप्लोर्ड मोर जहाँ की सीनरीज बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं जहाँ पे मूवी सीन्स जो हैं अगर शूट करेंगे तो बहुत अच्छे होंगे ये जो है ये उसी से रिलेटेड है ठीक है इसमें क्या होगी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे सो so दैट uh, जो आपकी uh, फिल्म इंडस्ट्रीज़ हैं जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं वो आप यहाँ पे फिल्म मेकिंग के लिए आएँ ठीक है यहाँ पे फिल्म स्टूडियोज़ बनाने की कोशिश की जाएगी सो so दैट जो फिल्म मेकिंग की इंडस्ट्रीज़ है वो जो है गुजरात में बढ़े ठीक है इन चीज़ों का यूज़ हो उससे क्या होगा बेसिकली आपको uh, क्या कहते हैं स्टेट रिवेन्यू में क्या होगा बढ़ोतरी होगी ठीक है क्योंकि टूरिज्म मतलब पैसा तो मिलेगा ही ना अगर वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है तो स्टेट में ठीक है देन आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी अब अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ एक चीज़ और बढ़ेगी जहाँ पर भी कोई नई इंडस्ट्री लगती है जहाँ पर भी किसी नई इंडस्ट्री को हम बढ़ावा देते हैं तो एक चीज़ जो उस लोकल एरिए की बढ़ती है दैट इज एम्प्लॉयमेंट ठीक है एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो इसका मेजर काम वहां पर क्या हो गया है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया है और इसी के अंडर एक हजार बाईस करोड़ के एम ओ यू साइन किए गए हुए हैं मल्टीपल लोगों के साथ बाय द गुजरात गवर्नमेंट सो दैट दे विल डेवलप द मूवी इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें आपका फिल्म मेकिंग स्टूडियोज और ये सब होगा अब इनमें जो एक मेजर पर्सनैलिटी थी आपकी मिस्टर अजय देवगन जी ठीक है इन्होंने एक एम ओ यू साइन किया है रिगार्डिंग द मेकिंग ऑफ रिगार्डिंग द फिल्म मेकिंग एंड स्टूडियो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है और जो बाकी की फैसिलिटीज़ हैं उनके रिगार्डिंग एक एम जो है वो आपका अजय देवगन जी ने साइन किया है अपार्ट फ्रॉम इट एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई है इस टाइम पे किसको लेकर सिनेमेटिक टूरिज्म पॉलिसी को लेकर ये इंडिया की फर्स्ट सिनेमेटिक टूरिज्म पॉलिसी है किसने दी है गुजरात ने ठीक है और किन्होंने रिलीज करी है आपकी उनके सीएम भूपेंद्र पटेल जी ने देन हम बात करते हैं साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 ट्वेंटी टू सो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन इंटेलिजेंस समिट ऑर्गेनाइज की हुई है ऑर्गेनाइज किसने करी है बाय मध्य प्रदेश पुलिस ठीक है एंड विद द परिमल लैब ठीक है स्टेट साइबर पुलिस के साथ मिलके परिमल लैब्स के के साथ मिलके बेसिकली ये बनाई गई है ये आपकी टेन डे समिट है कितने दिन की है टेन डे सबमिट है oh, टेन डे सबमिट है आपकी जिसमें से आपके तीन दिन जो है वो आपका ऑनलाइन काम करेगा और उसके बाद जो सात दिन है और त, वो आपके कैसे होंगे वो आपके सॉरी तीन दिन जो है वो आपके ऑनलाइन होंगे और सात दिन जो होंगे वो आपके कैसे होंगे ऑफलाइन होंगे ठीक है एक सेकेंड सॉरी आई एम रॉन्ग हेयर ठीक है थ्री डे जो है वो आपके ऑफलाइन होंगे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई थी और जो आपके आ, सेवन डेज है वो आपके कैसे होंगे ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन जो उसका कंडीशन कंडक्शन होगा वो होगा आपका भोपाल एमपी में ठीक है और ऑफलाइन कहाँ पर आर एस वी पी नरोहाडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन भोपाल और डेट्स उसकी थी ट्वेल्व थर्टीन एंड फोर्टीन इस दिन ये ऑफलाइन था उसके बाद ये क्या था ऑनलाइन है सेवन डेज के लिए ठीक है अब इसमें क्या है सिक्स थाउजेंड डिफरेंट पुलिस जो प्रोसिक्यूशन वाले जितने भी आपकी जुडिशल जो आपकी लीगल एरिया से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्या कहते हैं एजेंसीज uh, हैं वो सब इधर क्या कर रही हैं अपने आइडियाज़ को शेयर कर रही हैं अपार्ट फ्रॉम इट जो इसमें इंट्रोडक्शन है वो आपका थर्टी फाइव स्टेट्स अब थर्टी फाइव स्टेट्स में ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही इंडिया की ही थर्टी फाइव स्टेट्स हैं नॉट पॉसिबल नहीं हो सकता तो so, इसके अंदर क्या है आपकी आउट ऑफ इंडिया से भी हैं यू एस यू के से भी लोग हैं इसके अंदर यूएस यू के सिंगापुर इसके भी लोग इस समिट के अंदर हैं और ये अभी कंडक्ट ही हो रही है ठीक है और कोलेबोरेशन किस किस के साथ है इसकी uh, जो आपका इंटेलिजेंस <coughs> जो आपका एम पुलिस के साथ साथ सॉफ्ट क्लिक फाउंडेशन क्लियर टेल टेक्नोलॉजी एंड यूनिसेफ यूनिसेफ आपका क्या है बेसिकली एक इंटरनेशनल एजेंसी है तो ये सर आपका जो है साथ मिलके काम कर रही है देन हम बात करेंगे प्रयास की प्रयास क्या है आपका जो आर्मी हॉस्पिटल है दिल्ली में उसमें आ, जो बनने जा रहा है उसमें आपका एक पहले ही ठीक है अर्ली इन्वेंशन करा गया है किसका प्रयास सेंटर का प्रयास सेंटर किसके लिए प्रयास सेंटर है उनके लिए जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं ठीक है थीके? बिलो द एज ऑफ सिक्स ठीक है अप टू द एज ऑफ़ सिक्स ठीक है जिनको डिफिकल्टी होती है स्पेशल चाइल्ड दैट इज ऑटिज्मी हो स्लीप लैंग्वेज डिलेज एंड अदर कंडीशन जो भी उनकी डेवलपमेंटल डिलेज वगैरह होते हैं जितने भी बच्चों के साथ साइकोलॉजिकल इशूज हैं डेवलपमेंटल इशूज हैं उन सबको डील करने के लिए बिलो द एज ऑफ सिक्स अब ये आर्मी वाले बच्चों के लिए बेसिकली करा गया है जिनके मदर या फादर जो है वो आर्मी में है ठीक है अब इसके अंदर क्या क्या होगा स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी थेरेपेटिक सर्विसेज में स्पेशल एजुकेशन सेंसरी इंटीग्रेशन ऑक्यूपेशनल फिजियोथेरेपी बिहेवियर मॉडिफिकेशन न्यूट्रिशनल काउंसिल ठीक है लर्निंग विजुअल डिफेक्ट्स पहले ही बताने की कोशिश करेंगे देन क्लिनिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस सिंड्रोम्स अगर किसी बच्चे में कोई सिंड्रोम है जैसे आपका डाउन सिंड्रोम हो गया जो एम का एक पार्ट है ठीक है एम मतलब उसका एक पार्ट है जिससे आपका जो बच्चा है वो मेंटली रिटार्डेड हो जाता है सो so, वो सारा आपका क्या करेंगे इसके uh, अंदर उनको डिटेक्ट करने के लिए भी जो है फैसिलिटीज लाई जाएंगी अपार्ट फ्रॉम एक एक वात्सल्य इसका एक सेपरेट सुपर स्पेशलिटी डिसिप्लिन होगा जो बेसिकली आपका किससे रिलेटेड होता है पीडियाट्रिक्स से पीडियाट्रिक्स आपके कौन होते हैं ये होते हैं बच्चों के डॉक्टर ठीक है इनको हम बोलते हैं पीडियाट्रिक्स ठीक है क्या बोलते हैं इन्हें हम पीडियाट्रिक्स जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं विच आर रिलेटेड टू द चाइल्ड डिसऑर्डर्स ओनली जो उनके ही स्पेशलाइज्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं पीडियाट्रिक्स ठीक है देन हम बात करते हैं और सॉरी पीडियाट्रिक्स वाले का नाम क्या होगा स्पेशल special, स्पेशलिटी uh, का वत्सल्य ठीक है प्रयास इज फॉर स्पेशल एजुकेशन देन हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी अब रिसेंटली जो एच डी एफ सी बैंक है आपका ठीक है अलॉन्ग विद द नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड उसने एक नया स्टार्टअप ले दिया है इनिशिएटिव ले दिया है दैट इज आपका ई बैंक गारंटी तो सबसे पहले मेरे को ये बता दो कि आप लोगों को ये पता है कि बैंक गारंटी क्या होती है प्लीज टेल मी कितने लोगों को इधर पता है कि बैंक गारंटीज क्या होती हैं वरना मैं बता देती हूँ इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो ना आप लोग वट इज बैंक गारंटी कमेंट एंड एवरी वन चलो वो मैं पढ़ लूंगी तो बैंक गारंटी की हम बात करते हैं आपका बैंक टू बैंक होता है ट्रांजेक्शन सपोज मतलब किसी बैंक के पास पैसे कम है उसने किसी और बैंक से उठाएं तो वो बदले में क्या दे देगा गारंटी दे देगा ठीक है कि हम बाद में दे देंगे ठीक है सो ऐसे क्या होता है बैंक गारंटी जो है आपके बेसिकली बॉन्ड टाइप बॉन्ड टाइप ऑफ थिंग है मतलब एक पेपर काइंड ऑफ थिंग है जिसपे चीज़ मेंशन होती है अब जब हम बात करते हैं पेंग बैंक गारंटी की सो so दो टाइप की होती है एक आपकी होती है फाइनेंशियल ठीक है और दूसरी आपकी होती है फंक्शनल अब फंक्शनल में आपका क्या होता है फाइनेंशियल इज अबाउट डेप्थ कि आप अगर पैसों के लिए बोलते हो तो ठीक है देन सी सेट की क्लास होती है मैम अच्छा सी सेट की क्लास ओके सी सेट की क्लास मैं पता करके बता दूंगी मेरा डिपार्टमेंट अभी यही है ठीक है तो सर से पता करके बता दूंगी वैसे होती तो है सी टेट की क्लास सी सेट की सॉरी होती तो है क्लास ठीक है देन हम बात करते हैं इसी की अगेन फाइनेंशियल में क्या होगा इट्स अबाउट डेप्ट कि आपने किसी से पैसे उठाएं या समथिंग लाइक दैट तो वो आपका फाइनेंशियल के अंडर आएगा देन अगर हम बात करते हैं फंक्शनल की फंक्शनल के अंडर क्या आएगा समथिंग वी वॉन्ट मतलब वी आर मतलब वी आर जो हमें करना ही पड़ेगा ठीक है हमने किसी चीज़ को एक बोल दिया कि हम ये चीज़ करेंगे विच वी आर लाइबल टू डू समथिंग विच वी लाइवल टू वी आर लाइबल टू डू सो वो आपका आएगा फंक्शनल के अंडर ठीक है कुछ ऐसी चीज जो हमें करनी पड़ेगी ठीक है सो so, पहले क्या होता था जब हमारी पेपर बेस्ड आपकी बैंक गारंटी चलती थी तो इनको प्रोसीड करने में स्टैंपिंग करने में पहुंचाने में मोर ओवर रस्ते में चोरी हो सकती हैं फ्रे फज हो सकते हैं तो उस वजह से क्या होता था टू टू थ्री डेज की बहुत लॉन्ग प्रोसेस होती थी अब जो नया इनिशिएटिव है आपका इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इसके अंडर क्या हो गया है आपका इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी के अंडर कि सेकेंड में इट कैन बी डन ठीक है डिजिटल आपका सिग्नेचर होगा डिजिटल आपकी स्टैंपिंग होगी डिजिटली आप उसको फॉरवर्ड कर दोगे ठीक है सो दैट्स हाउ इट विल वर्क और उससे क्या होगा एफिशिएंसी जो है बैंक सिस्टम की वो बढ़ जाएगी मोर ओवर पेपरलेस है तो टाइम कंज्यूमिंग कम है अपार्ट फ्रॉम इट पेपरलेस है तो एनवायरमेंट के लिए बेनिफिशियल है the more you are going paperless the more it is uh, feasible for environment environment sustainability mein utni hi help hogi paper at the end of the day pedo se hi bante hain theek hai so agar koi bhi cheez paperless ja rahi hai to usme aapka igno uh, इन्वायरमेंट को भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है उसके बाद हम बात करते हैं यूनिक फार्म आईडी। तो रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो किसान को क्या देगी यूनिक फार्म आईडी देगी आपका जैसे आधार है उससे लिंक करके यूनिक फार्म आईडी मिलेगी इसके अंदर क्या होगा आपकी बेनिफिशरीज को जितनी भी आपकी नई नई चीजें आती हैं ठीक है ठीक है बेनिफिशरीज को जितनी भी आपकी हाँ जो फार्म फार्मर्स के लिए जितनी भी आपकी सब्सिडीज़ और जो जो नई नई चीज़ें आती हैं उनको लोकेट करने में इजी हो जाएगा फार्मर्स को लोकेट करना इनके लिए इजी हो जाएगा और उन्हें डायरेक्ट जो है हम वो प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि वो आधार से लिंक होंगे और आधार से मोस्ट ऑफ़ द बैंक अकाउंट्स जो हैं वो लिंक हो चुके हैं ऑलरेडी अपार्ट फ्रॉम इट अगर इसको पूरा लिंक के सिस्टम बना दिया जाएगा तो जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र है आपका बेनिफिशरीज़ को वो हो सकता है उससे आपका क्या होगा आपका जो बीच में पैसा कट जाता है जो करप्शन हो जाता है वो सबसे डील करने में इजी रहेगा जिसको नीड है जिसके लिए वो चीज आ रही है जिसके लिए वो ट्रांसफर करे जा रहे हैं वो डायरेक्ट बेनिफिशरी तक पहुँच पाएगा सो दिस इज ऑल अबाउट इट ठीक है किसानों के लिए है देन हम बात करेंगे हिंदी दिवस की हिंदी दिवस हर साल आपका सितंबर 14 को मनाया जाता है ठीक है हर स्कूल कॉलेज वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन पे ठीक है किसके लिए हिंदी के सिग्निफिकेंस को देखने के लिए हिंदी जो है इट इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द इंडिया ठीक है सेवेंटी परसेंट ठीक है सेवेंटी परसेंट पॉपुलेशन जो है वो हिंदी समझती है और हिंदी बोलती भी है ठीक है देन बिहार जो है वो फर्स्ट ऐसी लैंग्वेज है फर्स्ट ऐसी स्टेट है जिसने जो हिंदी है उसको अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया था ठीक है देन हम बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ठीक है फिफ्टीन सेप्टेम्बर जो आपका इस बार था वो मनाया गया है एज अ फिफ्टीन एनिवर्सरी ऑफ वॉट इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ठीक है डे जो है हम सेलिब्रेट करते हैं एनुअली किस लिए क्योंकि जो आपका क्या कहते हैं जो डेमोक्रेसी है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है लोगों के पार्टिसिपेशन की इंपॉर्टेंस क्या है डेमोक्रेसी को हम अगर वन एक स्टेटमेंट में अगर हम बोलना चाहें तो इसे हम बोलते हैं फॉर द पीपल बाय द पीपल ठीक है बाय द पीपल फॉर द पीपल सो दैट्स हाउ वी टॉक अबाउट द डेमोक्रेसी सो डेमोक्रेसी की इम्पोर्टेंस क्या है ठीक है उन सबको हाईलाइट uh, करने के लिए बेसिकली ये जो है डे मनाया जाता है ठीक है थीम ट्वेंटी ट्वेंटी टू क्या थी इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया फ्रीडम टू डेमोक्रेसी पीस एंड डिलीवरिंग ऑन द sustainable सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसमें क्या है मीडिया की फ्रीडम की इंपॉर्टेंस को बताने की कोशिश करी गई है theme 2022 में क्योंकि मीडिया जो है इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग जिसके थ्रू लोग चीज़ों को जानते हैं इनफैक्ट इट इज़ द ओनली थिंग जिसके थ्रू लोग एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे चीज़ों को जानते हैं अगर मीडिया नहीं होगा तो हमें नहीं पता चलेगा कि यहाँ से सात समुद्र बार क्या चीज़ें चल रही है वैदर इट इज़ आपका ब्लॉग है वैदर इट इज़ आपके इंटरनेट सर्विसेज के थ्रू आप जान रहे हैं वेदर इट इज़ आप uh, क्या कहते हैं आ, क्या कहते हैं टीवी के थ्रू जान रहे हैं तो सब आपका मल्टीमीडिया है इसी के थ्रू क्या है इन्होंने बोला है कि मल्टीमीडिया की फ्रीडम जो है मतलब मीडिया की फ्रीडम मीडिया फ्रीडम क्या हो गया कि अगर आ, मीडिया जो है वो बायस है उसको फ्री ही नहीं रखा है उसे राइट टू स्पीच ही नहीं है तो क्या होगा जो हमारे पास न्यूज आएगी वो ऑलवेज बायस आएगी तो इन्होंने बात करी है यहाँ पे फ्रीडम ऑफ मीडिया की कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए पीस कीपिंग के लिए ठीक है या और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए ठीक है ये आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2007 में एक रेजोल्यूशन पास करा था और उसके बाद से आपका जो ये दिन है मनाया जा रहा है और इसको पंद्रह साल हो चुके हैं ठीक है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन के पास करने के बाद से हम इन, हमने इस डे को बेसिकली मनाना स्टार्ट किया है देन हम बात करते हैं इंजीनियर्स डे की इंजीनियर्स डे आपका सेलिब्रेट होता है फिफ्टीन ऑफ सेप्टेम्बर को जो आपका हुआ था अभी अब ये क्या है ये है इन द मेमरी ऑफ सर मोक्ष गुंदन विश्ववरिया जो आपके एक बहुत बड़े इंजीनियर थे इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजीनियर वो रह चुके हैं उन्होंने उनको जो है आपका भारत रत्न भी मिल चुका है रिगार्डिंग जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है अपार्ट फ्रॉम एट ये क्या कहते हैं ब्रिटिश के टाइम पे ये ब्रिटिश नाइटहुड थे देन सर्वड एज द दीवान ऑफ माइसूर फ्रॉम नाइनटीन टू नाइनटीन ठीक है सो काफ़ी जो है ये जानी मानी हंसते हंसते रहे हैं इंजीनियरिंग की फील्ड में इनफैक्ट वन ऑफ द मेजर जो इंजीनियर आपके रहे हैं वो ये रहे हैं और उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पे बेसिकली हम क्या मनाते हैं इंजीनियर्स डे मनाते हैं नाम क्या है इनका सर मोक्षा गुंदन विश्ववरिया ठीक है देन हम बात करेंगे वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे सो 15th ऑफ सितंबर को लिम्फोमा अवेयरनेस डे मनाते हैं लिफो लिम्फोमा क्या होता है लिम्फोमा इज बेसिकली कैंसर ठीक है कौन सा कैंसर जो आपका लिम्फ नोड वगैरह का कैंसर होता है ठीक है उसको हम बोलते हैं लिम्फोमा ठीक है लिम्फोमा इज़ अ कैंसर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम आपका बेसिकली काम करता है जो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो आपका कौन बनाता है कौन उसको क्या करते हैं uh, सर्कुलेट करता है थ्रू आउट द बॉडी वो आपका लिम्फेटिक सिस्टम करता है और जो आपके एंटीबॉडीज होती हैं वो क्या करती हैं वो जम से लड़ती हैं वो आपको सेफ रखती हैं बीमारियों से लड़ने की क्षमता जो है वो सारी आपकी कौन कंसीडर करता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम और जब आपका लिम्फेटिक सिस्टम में कैंसर हो जाता है मतलब वो वर्किंग सही से नहीं चल रहा होता कैंसर को मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ पुरानी करंट अफेयर की स्लाइड्स देख लें ठीक है बार बार मैं कैंसर को डिस्क्राइब नहीं कर सकती हाउ इट वर्क ठीक है सो so, अब लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर इसमें क्या होगा कि जम फाइटिंग नेटवर्क है अगर ये जो नेटवर्क है इसमें ही कैंसर हो जाता है तो क्या होता है कि बॉडी जो है वो एनी हाउ डिप्राइव जो है वो आपकी होती चल जाती है होती चल जाती है और बॉडी का वहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है बॉडी में कैपेबिलिटी ही नहीं रहती किसी भी बीमारी से किसी भी जर्म से लड़ने के लिए सो so क्या होता है अगर छोटा सा भी जम्स आपके पास आएगा सो यू विल रिएक्ट टू इट ठीक है योर बॉडी विल रिएक्ट टू इट एंड अपेरेंटली क्या होगा उससे लड़ने की क्षमता भी नहीं है आप रिएक्ट भी कर चुके हो तो वो सीवियरटी में चला जाता है ठीक है किस में चला जाता है सीवियरटी में चल जाता है यूजली लिम्फेटिक सिस्टम में जो आपकी एंटीबॉडीज़ होती हैं जब भी उनको ऐसा लगता है कि बॉडी से बाहर का कोई माइक्रोब या कोई भी चीज आपकी बॉडी में तैयारी है. तो है? है? है, है जो हमें बचाता है प्रोटेक्टिव सिस्टम बेसिकली बोल सकते हैं अब जब यही खराब हो जाएगा तो क्या होगा बीमारी बाग बाग के आएंगी और आपके ऊपर कवर कर लेंगे आपको पूरा डन मतलब आपका पूरा ही आपको क्या करेंगी कंटेमिनेट कर देंगी सो दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क ओवर हेयर अब इसमें जो आपके पार्ट होते हैं मेजर वो आपके होते हैं लिम्फ नोड ठीक है देन लिम्फ नोड्स क्या होते हैं आपके जगह जगह पे होते हैं ठीक है आपके गले में भी होते हैं छोटे छोटे नोड्स होते हैं हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं मसल्स के इनके अंडर क्या होती है एंटीबॉडी स्टोर होती है देखो बनती बोन मैरो में है लेकिन स्टोर क्या होती है लिम्फ नोड्स में होती है लिम्फ नोड्स सपोज मेरे गले में है इधर अगर वो स्टोर है अगर कुछ यहीं पर उसे दिखता है तो द मूवमेंट uh, कुछ ऐसा सेंस uh, होगा दैट समथिंग इज फिशी इन द बॉडी सो यहाँ से जो है वो uh, जो आपका क्लोजेस्ट एरिया है वहाँ पे अपनी एंटीबॉडीज़ को क्या है uh, भेज देगी ठीक है जैसे आपके छोटे छोटे बेसिस होते हैं ना मिलिट्री मिलिट्री के भी छोट छोटे छोटे बेसिस होते हैं तो दैट्स हाउ द बेसिकली लिम्फ नोड वर्क ठीक है सो लिम्फ नोड्स होते हैं ठीक है देन आपके स्प्लीन होते हैं थाइमस ग्लैंड होता है और बॉन मैरो होता है जो आपका बेसिकली क्या करता है आपके एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है अब इसके बाद क्या है थ्रू आउट द बॉडी पूरे ऑर्गन पे काम मतलब ये जो कैंसर है ये पूरी बॉडी को ही अफेक्ट करता है रीजन बीइंग कि जो ये सिस्टम है ये पूरा थ्रू आउट द बॉडी ही फैला हुआ है सो दैट्स वाई देन इसके सिम्टम्स क्या होते हैं लिम्फ नोड स्वेलिंग देन फेटीक दैट परसिस्ट फैटिक लिम्फ नोड स्वेलिंग जो आपके जो एरियाज हैं जहाँ पे एंटीबॉडीज़ हैं वो एरिया स्वेल कर जाता है देन फेटीकैट परसिस्ट फेट फटीक क्या होता है हमेशा आपको थकान रहेगी देन नाइट स्वेट्स रात को पसीने आएंगे फीवर डिफिकल्टन कैचिंग में दिक्कत होगी और अनएक्सप्लेन आपका होता जाएगा होता जाएगा विदाउट एनी पर्टिकुलर रीजन सो दैट्स हाउ बेसिक द लिम्फोमा वर्कटीन को हमारा लिम्फोमा अवेयरनेस डे मनाया जाता है मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है हाउ इट वर्क एंड हाउ इट इज डन ठीक है सेल की एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लगती है इसमें हाँ विष्णु कुमार बिल्कुल ठीक <laughs> मैंने आपको बताया ही था मतलब अनचेक्ड हो जाती है अनचेक्ड में क्या होता है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है यू डोंट नो और ऊपर से ग्रोथ होती रहती है जो पीछे वाला डेड सेल है वो बाद में मरता है तो अंदर जाके वो पास क्रिएट कर लेता है जो आपका पुराना होता है सेल की भी तो लाइफ होती है ना रोज मरते हैं रोज बनते हैं तो अब क्या होता है अर्बन वेस्ट वाटर सीनेरियो की बात करेंगे हम इंडिया में ठीक है इंडिया ने रिसेंटली एक ज्वाइंट वाइट पेपर अब हम बात करते हैं इस वाइट पेपर टर्म की ठीक है वाइट पेपर टर्म बेसिकली क्या होता है इसमें हम अपने जो भी हम इसके रिगार्डिंग करने जाएंगे रिगार्डिंग अर्बन वेस्ट वाटर सीनेरियो इन इंडिया ठीक है इसके रिगार्डिंग हम जो भी करने जाएंगे या व्हाइट पेपर हमारे जिस भी रिगार्डिंग में हम किसी भी आ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर हम आ, मतलब अगर हम लॉन्च कर रहे हैं किसी से ठीक है सो तो इसमें क्या होता है हम पूरा ब्लूप्रिंट देते हैं ब्लूप्रिंट के अंदर हम सब बताएंगे कौन सी कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे कब कब करेंगे किस तरीके से इसे कब करेंगे तो वो सारा आपका वाइट पेपर पे रिटर्न होता है उसमें आपका मैंशन होता है सो ये होता है आपका वाइट पेपर ठीक है वाइट पेपर का मतलब ब्लैंक शीट नहीं होता ठीक है वाइट पेपर का मतलब आपका ये होता है अब वाइट पेपर का मतलब समझ आ गया अब इंडिया हैज़ लॉन्च अ जॉइंट वाइट पेपर ऑन अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो इन इंडिया विद डेनमार्क एट वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022 इन कॉपेगन ठीक है वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एग्जीबिशन में डेनमार्क के साथ मिलके इंडिया ने अभी एक वाइट पेपर लॉन्च किया है रिगार्डिंग द अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो इन इंडिया कि हम उसे कैसे डील करेंगे कैसे हम वाटर ट्रीटमेंट करेंगे वो सब उसमें आपका ब्लू जो है वो उसमें दिया गया है ठीक है सो इंडिया कृष्ण फेसिलिटी इंडिया वॉज फेसिलिटेड बाय जलशक्ति मनिस्ट मनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी अलॉन्ग विद द डैनिश मिनिस्टर दैट इज ली वर्मिलन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मिनिस्टर फ्लैमिंग मॉलर मॉर्टिनसन ठीक है इनके साथ हैं साथ में देन अगर हम बात करते हैं इसमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात करेंगे स्ट्रक्चर कोक्रिएशन कोलेबोरेशन पोटेंशल बात हुए जो उसमें हम टी मतलब वही फ्यूचरिस्टिक है वाइट पेपर क्या है बेसिकली फ्यूचरिस्टिक है ब्लूप्रिंट है ना कि आगे जाके हम क्या क्या चीज इस बारे में करने वाले हैं ठीक है और ये uh, क्यों हुआ है जो आपका इंडो डेनिश बाट्रल ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसी के कॉन्टीन्यूएशन में बेसिकली ये जो है ये रिलीज हुआ है ठीक है देन हम बात करते हैं झारखंड रिजर्वेशन अब झारखंड में जो रिजर्वेशन है वो आपकी सेवेंटी सेवन परसेंट तक कर दी गई है ठीक है स्टेट में स्टेट जॉब्स को लेके ठीक है अब इसमें किसने ये चीज़ आपकी जो मीटिंग थी किस जब ये डिसाइड हुई तो वो किसने मीटिंग चेयर करी थी झारखंड के सीएम ने दैट इज मिस्टर हेमंत चोरान जी ने ये क्या करी थी बेसिकली uh, uh, जो मीटिंग है वो चेयर करी थी आगे अगर हम बात करें ये प्रपोजल जब आया था इसके अंडर आपका एस सी एस टी बैकवर्ड क्लासेज एंड ओ बी सी और ई डब्ल्यू एस सबको ही जो कोटा था वो देने की बात करी गई है अब हम देखते हैं कि प्रीवियस कोटा से कितने जो कोटा हैं वो बढ़ गए हैं ठीक है थीके? अगर हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट के लिए तो उनके लिए टेन टू ट्वेल्व परसेंट हो गया है ठीक है पहले टेन था अब आपका कितना हो गया है ट्वेल्व तो प्लस टू परसेंट आपका एस सीज के लिए हो गया है देन अगर हम बात करें एस टीज के लिए तो उधर भी आपका टू परसेंट इंक्रीज हो गया है ठीक है प्लस टू परसेंट अगेन इन द एस टीज देन अगर हम बात करें ओ के लिए सो ओ के लिए इट इज़ ट्वेंटी नाउ ठीक है पहले कितना था आपका 14 और अब इतना कर दिया है 27 काफ़ी ज्यादा बढ़ा दिया गया देन हम बात करेंगे बैक आ, ईडब्ल्यूएस की ईडब्ल्यूएस को आपका टेन परसेंट का कोटा दिया जा रहा है ठीक है और इसके अंदर आपको तो टोटल टोटल कोटा जो है अब मिला के कितना हो जाता है सेवेंटी सेवन परसेंट सो नाउ इन झारखंड स्टेट में जो भी आपके एरियाज हैं जो भी आपके मतलब एजेंसीज हैं रिगार्डिंग द गवर्नमेंट और वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर तो उसमें क्या होगा आपका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और इन सब के लिए 77 परसेंट कोटा होगा अपार्ट फ्रॉम इट जो बचा हुआ आपका कितना बचता है आपका 23 परसेंट बचता है ठीक है वो जो आपका तेईस परसेंट जो आपका बचेगा वो आपका जनरल के लिए होगा ठीक है सो दैट्स हाउ थिंग विल वर्क नाउ देन हम बात करेंगे मिनिमम वेज के सिक्किंग गवर्नमेंट जो है उसने मिनिमम वेज को रिसेंटली हाइक कर दिया है पहले जो उनका अनस्किल्ड लेबर था उसकी जो मिनिमम वेज थी वो आपकी होती थी थ्री हंड्रेड कितनी थी थ्री हंड्रेड अब उन्होंने कितनी कर दी है फाइव हंड्रेड पर डे ठीक है अब <coughs> अब इसमें क्या होगा कि जो 300 से 500 हुई है ये टोटल ऑलमोस्ट 67 परसेंट का राइज है देन डेली वेज की अगर हम बात करें सेमी स्किल्ड वर्कर के लिए सेमी स्किल्ड वर्कर के लिए 320 से 520 कर दी गई है अगेन 67 परसेंट ऑफ राइज देन हाई स्किल्ड लेबर के लिए बात करें तो 535 से सॉरी थ्री थर्टी फाइव से फाइव थर्टी फाइव कर दी गई है देन अगर हम बात करें हाईली स्किल्ड लेबर की तो उनकी भी अब थ्री सिक्सटी फाइव पर डे से फाइव सिक्सटी फाइव पर डे आपकी कर दी गई है मिनिमम वेज ठीक है सो so, ये आपका रिसेंटली जो मिनिमम वेज आपकी सिक्किम गवर्नमेंट सिक्किम गवर्नमेंट ने जो है बढ़ा दी है देन हम बात करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर सो सेलिब्रेटेड ऑन सिक्स ऑफ सेप्टेम्बर ओजोन लेयर की बेसिकली आपकी क्या है जो आपकी एक एनवायरमेंट में ऊपर स्टेटफेयर uh, में जो आपकी एक लेयर है जो आपको बेसिकली किस चीज़ से बचा रही है वो बचा रही है आपको सन की यूवी रेस से ठीक है जिससे आपको स्किन कैंसर और बाकी की स्किन डिजीज हो सकती हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल है तो ये उसने बचाने की कोशिश कर रही है और इसके अंडर क्या है आपका आ, इसको अवेयरनेस फैलाने के लिए जो दिन मनाया जाता है दैट इज़ ऑन द दिक्सटीन ऑफ सेप्टेम्बर थीम ट्वेंटी क्या था ग्लोबल कॉपरेशन एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इसके अंडर क्या है कि आ, हमने बात करी है सबको साथ लेके चलने की कि सबका जो कॉपरेशन है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर ठीक है ओजोन को हम ओ भी लिख सकते हैं द साइंटिफिक फार्मूला देन ओजोन लेयर के ऊपर ऑलरेडी जो हमारा एक मॉनिटरी प्रोटोकॉल है वो काम कर रहा है ठीक है और वो कब से काम कर रहा है आपका 1994 से तब से हमें पता था कि ओजोन में एक होल है और दैट्स हाउ ये जो चीज़ें हमें अफेक्ट हो रही हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो उसी टाइम पर यह आपका मॉनिटरी प्रोटोकॉल जो साइन हुआ था उसी के मतलब ऑलरेडी उसके लिए एक जो इनिशिएटिव वो हम ले चुके थे और अब एक नया कॉन्टिन्यूएशन में उसी को अवेयरनेस फैलाने के लिए बेसिकली दिन मनाया गया है देन चीता री इंट्रोड्यूस्ड आपने कल ही देखा होगा ठीक है कल या हाँ कल कल ही देखा होगा ये अब इसमें क्या हुआ है कुनो नेशनल पार्क एमपी में बेसिकली एट अफ्रीकन चीतास को लेके आया गया है फ्रॉम द नामीबिया अफ्रीका ठीक है अब क्या? कौन सा ओकेजन था ऑन द ओकेजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स बर्थडे ठीक है उस दिन हम लेके आए हैं देन तीन मेल है इसमें फाइव फीमेल है अफ्रीकन चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट जो है वो आपका 2009 से चलाने की बात कर रहे थे लास्ट ईयर नवंबर में ये जो चीते थे जो कल आए हैं वो आ जाने चाहिए थे लेकिन कोविड की वजह से इस चीज़ को कर दिया गया था पोस्टपोन ये चीज़ हो ही नहीं पाई थी देन अभी जो है वो आ गया है अगर हम बात करें चीता की तो चीता जो है वो हमारे पास जो लास्ट इंडिया में देखा गया था वो था आपका अराउंड नाइनटीन फोर्टी में जो लास्ट चीता था इंडिया का वो एक्स मतलब डेड uh, डाई uh, मतलब डाई हो गया मतलब डेड हो गया था और उसके बाद आपका कहाँ पर हुआ था छत्तीसगढ़ में और उसके बाद से 1952 से हमने चीता को इंडिया में क्या कह दिया था कि चीता जो है वो इंडिया में एक्सटेंट हो चुका है ठीक है चीता को हम बिग कैट भी बोल सकते हैं अब जो इसके लिए बेसिकली क्या है कुछ चैलेंजेस हमारे पास अब भी हैं रिगार्डिंग द चीता प्रोजेक्ट चैलेंजेस क्या है कि वो जो लोग हैं जो चीता है जो जो चीता बेसिकली एक ऐसी है जो वैसे बहुत शांत है मतलब शांत है बट इट इज अ काइंड ऑफ फ्रेजाइल एज वेल बहुत ज्यादा डेलीकेट स्पीसीज है इसके जो आ, अगर हम बात करें ओवरऑल द वर्ल्ड भी अगर हम देखें जहां जहाँ पे चीता है तो वहाँ पर जो मेजर रीजा रीज़न है चीता के सर्वाइव ना करने का दैट इज कि इसके जो बच्चे होते हैं कब्स जो होते हैं उनको मार दिया जाता है बाय द और वही एक ज हमारे पास अभी इंडिया में भी है हमने उन्हें री इंट्रोड्यूस तो कर दिया है लेकिन उनकी सिक्योरिटी का क्या क्योंकि अभी recent, मतलब ऑलरेडी उन्हें जहां पे हम री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वहां पे ऑलरेडी उनके प्रिडेटर्स बैठे हुए हैं देर आर लाइन्स ठीक है देन देर आर टाइगर मतलब जो भी आपके वाइल्ड लाइफ हैं मतलब जो भी आपके वाइल्ड स्पीसीज हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर हैं और उनका मेन पॉइंट ये होता है कि टू uh, मतलब जो कब्स हैं उनको मर्डर कर देना उनको खत्म कर देना क्योंकि उसके उनको मारना आसान होता है राधर देन द वन जो आपके पूरे बड़े हो जाते हैं पूरे पूरे बड़े जो चीता डेवलप हो जाते हैं सो so, यही एक मेजर जो है अभी भी कॉन्टिन्यूएशन में है ठीक है यही एक हमारा अभी भी एक इश्यू है इस इंट्रोडक्शन के बाद जिससे इंडिया को जो है बेसिकली डील करना है आ तो गए हैं पर अब ये रहेंगे कब तक दैट इज द पॉइंट कितने टाइम तक जो स्पीसीज है वो यहाँ पर सरवाइव कर पाएगी कितना ये सक्सेसफुल होगा आपका ए प्लान ये अभी एक क्वेश्चन मार्क है इसी रीजन से ये जो आठ के आठ चीता है इनके गले में ऑलरेडी एक पट्टा जो है वो पहनाया गया है जिसके थ्रू इनका ट्रेस हो सकेगा कि कौन सा कहाँ पर है सो so दैट अगर कुछ इश्यू होता है तो उससे डील करा जाए अपार्ट फ्रॉम इट अगर जितने भी इनके जो प्रोक्रिएशन के बाद जितने भी चीता आपके आने वाले हैं उनके साथ भी यही मार्किंग का जो सिस्टम है वो रखेंगे ठीक है देन ई पत्रिका की बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिलीज करा है न्यू डिजिटल पब्लिकेशन दैट इज बी एल e ओ ई पत्रिका अब डिजिटल पब्लिकेशन है इसके अंदर क्या है आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग द बैलेट सिस्टम कहाँ पर हो रही है कहाँ पर वोटिंग आपके बैलेट्स है कब आपके इलेक्शन होंगे तो वो सारा आपका इसके अंदर मेंशन होगा ये बेसिकली आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाएगी ठीक है और डायरेक्ट बी क्या है आपके डायरेक्ट लिंक है फॉर द कमीशन विद द पीपल ठीक है कमीशन आपको जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो आपको डायरेक्ट जो अपनी इन्फॉर्मेशन है वो कन्वे कर पाएगी ना कि किसी के थ्रू सो so, इसके अंदर सब आएगा रिलेटेड टू ई वी एम वी वी पी ए ट्रेनिंग आई टी एप्लीकेशन स्पेशल समरी रिविजन मिनिमम स्वीप एक्टिविटीज पोलिंग बूथ पोस्टल बूथ फैसिलिटीज़ तो ये सब आपका बेसिकली एवरीथिंग रिलेटेड टू द इलेक्शन इलेक्शंस ठीक है तो वो सारा आपके इसके अंडर कंसिडर होगा देन रक्तदान अमृत महोत्सव की हम बात करेंगे रक्तदान अमृत महोत्सव आपका 15 डेज ब्लड डोनेशन ड्राइव है स्टार्ट करा गया है ऑन द बर्थ डे ऑफ आर प्राइम मिनिस्टर ठीक है तब से स्टार्ट किया गया है और ये एंड होगा कब नेशनल वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन डे दैट इज आपका जो अभी अक्टूबर में आएगा तब तक आपका चलेगा पंद्रह दिन की ड्राइव है ठीक है अब सिटीजन्स जो है इसके लिए कहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं आपका रक्तदान अमृत महोत्सव इसको हम बोलेंगे और सिटीजन्स इसके लिए आप कर सकते हैं आरोग्य सेतु ऐप पर ठीक है और रक्त कोष पोर्टल पर इस पर आप रजिस्टर करके रक्तदान जो है बेसिकली कर सकते हैं देन हम बात करते हैं डायमंड लीग फाइनल 2022 जो आपकी जीतनी है इंडिया के नीरज चोपड़ा ने और वो फर्स्ट बन जाते हैं इंडिया में टू विन द प्रिस जुरीज डायमंड लीग फाइनल इन स्विट्जरलैंड ठीक है सो ये आपकी लास्ट न्यूज थी ठीक है जी मैम सेल्स की एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लगती है जी मैम ठीक है सो so बेसिकली आपका जूरिश डायमंड लीग वाज वन ऑफ द आपकी लास्ट न्यूज़ अब इसके बाद जो है आपका वो आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस है किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ डू कमेंट किसी को कुछ भी पूछना है तो प्लीज कमेंट एक मिनट के लिए मैं भी चुप हो जाती हूँ बहुत देर से बोल रही हूँ मेरा मुंह दुखने लग गया अभी तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारी एमसीक्यू प्रैक्टिस कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए बाकी बच्चों को आप लिंक भेज दो ठीक है किसी ने करंट पढ़ा नहीं पढ़ा पर किसी ने खुद भी तो थो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा देखने कितने एम सॉल्व होते हैं उनके बच्चों को लिंक भेज दो शेयर कर दो आप लिंक अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं ठीक है किसी को कोई डाउट नहीं है स्टार्ट करें एमसीक्यू के टाइम पे लोग जाने जाना स्टार्ट कर रहे हैं ये क्या तरीका होता है सो so, चलो आप बताओ पहले आप लोग कर दें स्टार्ट एमसीक्यू स्टार्ट करें ठीक है आंसर भी आ गए सॉरी मैंने देखा था हाँ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड द चूज द करेक्ट वन रिगार्डिंग द रबर डैम इट इज अ इट इज़ ऑन फाल्गू रिवर ठीक है इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट इट इज अ इनफ्लेक्सिबल डैम आंसर्स एवरीवन ए ए ए वन एंड टू ओनली राइट द आंसर इज वन एंड टू ओनली फाल्गू रिवर पे है करेक्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट करेक्ट इनफ्लेक्सिबल है नहीं यही तो इसकी स्पेशलाइजेशन है कि ये फ्लेक्सिबल है देन हम बात करते हैं आपकी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट वन रिगार्डिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट द फर्स्ट स्टेटमेंट स्टेट इन द टू रिपोर्ट इंडिया स्लिप्ड इट्स रैंक बाय टू पॉइंट देन इट इज डेवलप्ड बाई द यू एन एफ ट्रिपल सी एंड द थर्ड वन इज मेजर रीजन ऑफ ग्लोबल ड्रॉप इन एच डी आई इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी फोर ईयर टू जीरो टू टू ठीक है दो हजार बाईस के लिए जो मेजर रीजन है ब, ग्लोबल ड्रॉप का एच डी आई में वो रीजन क्या है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी सो प्लीज कंसिडर द स्टेटमेंट आंसर सेकेंड का है बी बी पीपल आर कमेंटिंग बी ठीक है हम देख लेते हैं आंसर सो हेयर द आंसर इज बी करेक्ट रिगार्डिंग की रिगार्डिंग हम बात करते हैं द फर्स्ट वन इज फुल फॉर्म क्या है एक्सटेंशन ऑफ रियलिटी ठीक है देन सेकेंड क्या है इट इज एन अम्बरेला टर्म फोर द बी आर ए आर एंड एम आर आंसर एवरी वन सी सी शौर्य का सी आंसर आया है ठीक है और कोई कमेंट करो फोर्थ का फोर्थ का गाइस फोर्थ का शौर्य थर्ड का सी बोल रहे वो मैंने बता दिया है ठीक है अच्छा फोर्थ का आंसर दो गाइस फोर्थ का आंसर फोर्थ का आंसर बोल रहे हैं सब सी थर्ड का सी क्यों लिख रहे हो फोर्थ का सी हाँ सो so फोर्थ का सी सो इधर आप सब खा गए जो मैंने आपको ट्राई करा कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ आप सबने कर दिया इट इज नॉट एक्सटेंशन ऑफ रियलिटी इट इज एक्सटेंडेड रियलिटी क्या बोलते हैं हम इसे एक्सटेंडेड रियलिटी मीनिंग सेम ही है लेकिन फुल फॉर्म का फर्क है ठीक है तो क्या बोलते हैं हम इसे एक्सटेंडेड रियलिटी हैंस द फर्स्ट वन इज इन करेक्ट ठीक है एंड द सेकेंड वन इज करेक्ट तो आंसर आपका सेकेंड होगा ए आर वी आर इसी में होते हैं ए आर आपका होता है ऑगोमेंटेड रियलिटी वी आर आपका वर्चुअल रियलिटी एंड ना एम आर इज योर मिक्स रियलिटी देन हम बात करते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन रिगार्डिंग द हाई थॉट पुट सेटेलाइट ठीक है हाई थॉट पुट सेटेलाइट के बारे में बात करेंगे बहुत अच्छे से समझाया है ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का देन द फर्स्ट वन इज इट रिड्यूज इट रिड्यूज द कॉस्ट पर परफेक्ट देन इट ऑफर्स लोअर बैंड विथ इट विल यूज ब्रॉड सिंगल बीम आंसर एवरी वन बहुत अच्छे से समझाया सेटेलाइट की वर्किंग को मैंने आपको आंसर द फिफ्थ वन एवरी वन बी पीपल आर आंसिंग बी 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 वन ओनली बहुत अच्छे से समझाया था कि ब्रॉड सिंगल बीम ब्रॉड क्या होता है ब्रॉड का मतलब चौड़ा होता है चौड़ा आपका जो कौन सा यू कौन सा यूज करता है ब्रॉड वाला ब्रॉड करती है आपकी कन्वेंशनल वाली ये आपकी एच है ये

पीएस या जीबीपीएस जो आप बेसिकली नेट के लिए यूज करते हो वो आप बैंडविड्थ के ही बारे में बात करते हो साइंटिफिकली उसे बैंडविड्थ बोलते हैं आप लेमन टर्म में उसे नेट बोलते हो ठीक है इंटरनेट बोलते हो हाँ कॉस्ट पर बिट जो वो रिड्यूस कर देगा ठीक है दैट वन इज ट्रू देन हम बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की विच इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इन करेक्ट वन रिगार्डिंग द जिमिक्स जिमिक्स के बारे में इन करेक्ट स्टेटमेंट को बताइए द फर्स्ट वन इज रिसेंटली सिक्स एडिशन ऑफ जिमिक्स हेल्ड इन बे ऑफ बंगाल कंडक्टेड इन सिंगल फेज ठीक है देन इट वॉज फर्स्ट कंडक्टेड टेन ईयर अगो ठीक है फर्स्ट टाइम कब कंडक्ट हुई थी टेन ईयर अगो बेसिकली आपकी दो हजार बाईस दो हजार बारह में ये कंडक्ट हुई थी फर्स्ट टाइम आंसर एवरी वन सिक्स अच्छा स्नेहा ने आंसर ए किया है नाइस यू गॉट द थिंग आपको समझ आई चीज हा देन डी अच्छा जिमिक्स से रिलेटेड मैंने आपको कमेंट करने के लिए बोला था ब्रेन बे, करके अभी मत करो थ्रू आउट थ्रू द सेशन मत करो लेकिन उसको ना कमेंट कर देना वीडियो के नीचे सो so दैट जिसका भी आपका सही होगा उसका हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे जो आपकी नेक्स्ट वीक जो क्लास होगी उसमें हम उसके आइडियाज़ को जरूर डिस्कस करेंगे जो भी मेरे को सही लगेंगे नए लगेंगे क्रिएटिव लगेंगे अगर आप चाह रहे हो कि आपका आइडिया भी उधर डिस्कस हो नेक्स्ट वाले सेशन में तो कमेंट करो ठीक है देन इधर आंसर आ रहा है सिक्स का बी कोई आ रहा है बी कोई कह रहा है डी कोई कह रहा है बी बी डी ठीक है बी डी पे चल रहा है सो इधर आंसर आपका सी है ठीक है सी है आपके यहाँ बात क्या करी है इनकरेक्ट के बारे में ठीक है सो इनकरेक्ट आपकी कौन सी है ये वाली है सेकेंड स्टेटमेंट है सिर्फ ठीक है इनकरेक्ट कौन सी है आपकी सेकेंड uh, वाली है ठीक है जिसमें आपकी बे ऑफ बंगाल में हुई है हुई 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 है 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 हम थी आपकी हुई थी 2012 में बहुत अच्छे से पढ़ा है मैंने पीछे सो प्लीज कंसिडर दैट सो हेयर द टू विल बी द करेक्ट आंसर सिंगल फेज में नहीं हुई एक आपका सी फेज है दूसरा आपका हार्बर फेज है जो मैंने आपको बताया है हार्बर फेस है एट द विशाखापट्टनम तो सिंगल फेज नहीं है डबल फेज कंडक्ट हुई है ठीक है दो फेजेज में कंडक्ट हुई है देन हम बात करते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इन करेक्ट वन रिगार्डिंग द आई स्टेम आई स्टेम की हम बात करेंगे फुल फॉर्म क्या है आई स्टेम की इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज एंड द सेकेंड वन इज ये अम्ब्रेला टर्म है अंडर विच मैनी प्रोग्राम्स फॉर प्रमोटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इन वो इनोवेशन आर इंक्लूडेड अंडर दिस टर्म आंसर एवरी वन मैम ये विशाखापट्टनम की हाँ बताया तो विशाखापट्टनम थी हुई तो विशाखापट्टनम में ही मैं कहाँ डिनाई कर रही हूँ आपको ये पॉइंट विशाखापट्टनम में ही हुई है लेकिन दो फेज में हुई है सी फेज अलग है हार्बर फेज अलग है ठीक है हार्बर इज अ डिफरेंट फेज एंड द सी फेज इज अ डिफरेंट फेज आप अगर इसके बारे में और अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा मेरे को तो करना पड़ता है ना क्वेश्चंस बनाने के लिए और स्लाइड्स बनाने के लिए अब आप कितना पढ़ रहे हो इससे कितना यूटिलाइज कर रहे हो वो आपके ऊपर है मैं तो हंड्रेड परसेंट दे ही रही हूं गाइज आंसर द सेवंथ वन आंसर एवरी वन क्लास में सौ से ऊपर बच्चे आते हैं यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन पंद्रह बीस पच्चीस इससे नीचे मतलब इससे ऊपर आप लोग जाते नहीं हो क्या चक्कर है संडे को सब दिमाग की भी छुट्टी होती है क्या आपकी ए ए ए सी ठीक है आंसर देख लेते हैं हम तो इधर आंसर है नाइदर वन नोर टू इनकरेक्ट इसमें से कौन सी भी नहीं है दोनों ही ठीक है आइस टाइम का फॉर्म यही है इंजीनियरिंग फैसिलिटीज का देन जोरेला टर्म है जिसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजिकल कल इनोवेशन हो रहे हैं बहुत सारे सो आप में से किसी भी इंसान को ये डी क्यों नहीं पता लगा कौन सी सी कमेंट कर रहा है क्यों आप लोग ए कमेंट कर रहे हो इसका आंसर मेरे को ये बताओ इनकरेक्ट कौन सी है इसमें से दोनों ही इनकरेक्ट है कोई सी भी नहीं इनकरेक्ट क्या कर रहे हो भाई क्या कर रहे हो ठीक है

क्ट इन करेक्ट आई एम कंफ्यूज यही तो बात है यही तो बात है कंफ्यूज करना मेरा काम है आपको टैकल करना आपका काम है यूपीएससी भी यही करने वाली है क्या बोले हो जाती है अब हम आगे देखते हैं ठीक है सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अब इसके रिगार्डिंग आंसर करो एट क्वेश्चन का प्लीज गाइड आंसर इज इट अंग यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक समथिंग लाइक दैट हाँ आई रिलिटेड दैट एट्थ का सी ठीक है एट्थ का क्या है आपका सी ये बोल रहे हैं और कमेंट आए बाकी सारे फिर हम बताते हैं ठीक है सी ओके तो हेयर द आंसर इज वन ओनली सॉरी 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 हाँ 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 वन वन नहीं है वन नहीं है ये तो इनकरेक्ट है ठीक है वन आपकी इनकरेक्ट के हिसाब से होगी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट नहीं है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो बनाई है ना कि आपकी स्टेट uh, गवर्नमेंट ने ठीक है ये दोनों जो है वो आपकी ठीक है सो so, इधर जो आपका आंसर है करेक्ट स्टेटमेंट का ऑप्शन ही नहीं है इट विल बी टू एंड थ्री सॉरी गाइस माय मिस्टेक इट विल बी टू एंड थ्री गलती से मैंने इनकरेक्ट मेंशन कर दिया है ठीक है सो so, आपका टू एंड थ्री होगा ठीक अब देखो नाइन्थ क्वेश्चन इज करेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द अगर आपको कहीं लगे ना कि ऑप्शन गलत हैं तो प्लीज आप जो पॉइंट आपको ठीक लग रहे है वो मैंशन कर दिया करो जैसे मैंने आपको टू एंड थ्री कर दिया है क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन बनाते बनाते ना थोड़ा सा हो जाता है एट टाइम्स बट मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया है कि ये वाला जो है आपका ये गलत है और टू और थ्री जो है वो आपका सही है सो यहाँ पे टू थ्री मेरे को एक करना चाहिए था एंट्री आप इसको टू थ्री कर सकते हो तो ऑप्शन हम सी मान लेते हैं वन हटा दो इसमें से सी मान लेते हैं ठीक है देन हम बात करते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन रिगार्डिंग द जेम्स वेब टेलीस्कोप करेक्ट वाली चूज करनी है द फर्स्ट वन इज न्यू हाईली डिटेल्ड इमेजेस ऑफ जुपिटर हाँ हाँ मैम बट आंसर नहीं है ठीक है आप टाइप कर दिया करो नो इश्यूज मेरे को कोई दिक्कत नहीं है मैं भी इंसान हूं गलतियां हो जाती हैं एट टाइम्स ठीक है times, देन मतलब थोड़ा एबसेंस ऑफ माइंड हो जाता है जब आप बहुत सारी स्लाइड्स है अब मतलब मोर देन सिक्सटी थ्री स्लाइड स्लाइड्स हैं इधर सो so उसमें अगर मैं बना बना रही हूँ तो थोड़ा बहुत हो जाता है एट टाइम्स क्रिएट देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन रिगार्डिंग जेम्स वेब टेलीस्कोप वन इज न्यू हाईली डिटेल्ड इमेजेस ऑफ जुपिटर हैज बीन रिसेंटली कैप्चर्ड बाय दिस इट इज करेंटली ऑर्बिटिंग एट अ लेगरेज पॉइंट इट इज डेवलप्ड बाय द इसरो इसमें आपको करेक्ट वाली स्टेटमेंट के बारे में बताना है Nineth का आंसर बोल रहे हैं सी ठीक है सी डी डी हेमनदीप सिंह सी कैसे लग रहा है टू एंड थ्री ठीक है डिलीट <laughs> कर दो ये बढ़िया है जहां गलती कोई टैकल कर ले कमेंट डिलीट कर दो हिस्ट्री डिलीटेड है ना वैसे ये ना डिजिटलाइजेशन की वजह से ये चीज बहुत हो गई है क्योंकि यू कांट सी पर्सन तो आप क्या है कि ये चीजें ज्यादा इंक्रीज हो गई हैं बेसिकली कि करी तो चीज़ें डिलीट कर दी आप किसी भी टाइम उस चीज़ को रिमूव करके आप सारे सबूत मिटा देते हो कि हमने तो कमेंट करा ही नहीं ऐसा हमने तो बोला ही नहीं सो तो इसका आंसर है डी डी इसका करेक्ट आंसर है ठीक है वन एंड टू जो है वो इसकी ठीक है इसरो ने नहीं है नासा का है ठीक है नासा के एडमिनिस्ट्रेटर पे ही इसका नाम है दैट इज़ जेम्स वेब ठीक है सो ये आपका इसरो का नहीं नासा का है और जब ये लॉन्च हुआ था तो उसमें यूरोपियन यूनियन वाले भी थे इंक्लूड ठीक है यूके वाले भी थे जब आपका लॉन्च हुआ था जो आपका एरिना फाइव जो रॉकेट लॉन्च हुआ था उसमें यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट था देन हम बात करते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन रिगार्डिंग द नेचर इंडेक्स अच्छा सब मेरे को एक बात बताओ लेग रेंज ऑर्बिट सबको समझ आया था जो लैगरेज पॉइंट है वो क्या होता है मैंने बता दिया पहले ही डिलीट था मैम हाँ सही बात सही बात है पहले ही डिलीट था सेकंड नो में डिलीट कर देते हो तुम लोग कई बार समझाए क्वेश्चन को आंसर करके डिलीट मत करा करो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन रिगार्डिंग द नेचर इंडक्स अब हम बात करते हैं नेचर इंडेक्स के रिगार्डिंग अब इसके अंडर क्या है आई आई टी हैबाद टॉप डमोंग द इंडियन यूनिवर्सिटी इंडियन यूनिवर्सिटी के अमोंग कौन है आई आई टी हैदराबाद ने टॉप किया है देन नेचर इंडेक्स कंसिडर द एकेडमिक अचीवमेंट क्या कंसिडर करता है अकेडमिक अचीवमेंट पासिंग परसेंटेज एस ए क्राइटेरिया रैंकिंग आर बेस्ड ऑन द डाटा फ्रॉम वन जनवरी टू थर्टी वन फर्स्ट दिसंबर थर्टी फर्स्ट दिसंबर ठीक है इनकरेक्ट वन है इसमें सॉरी इनकरेक्ट वन बताओ करेक्ट नहीं इनकरेक्ट वन बताओ हाँ इनकरेक्ट बताओ इसमें टेंथ का बी इनकरेक्ट करेक्ट बताओ बस एक ही फर्क होगा किसी का सी आएगा किसी का डी आएगा डी नन ऑफ द अबो सही बात है अगर आप करेक्ट देखोगे तो आपकी नन ऑफ द अबाव है और इनकरेक्ट देखोगे तो वन टू थ्री तीनों है ठीक है अब इसमें क्या है आईआईटी हैदराबाद नहीं हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है नेचर इंडेक्स अचीवमेंट अकेडमिक अचीवमेंट नहीं वो आपके रिसर्च पेपर के थ्रू देखता है कि आपकी कितनी ज्यादा क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो आपकी पब्लिश हुई है आपकी यूनिवर्सिटी से आपके जो ऑथर्स हैं कितने आपकी यूनिवर्सिटी से थे देन हम बात करते हैं रैंकिंग बेस्ड ऑन द डाटा वन जनवरी टू थर्टी दिसंबर नहीं इसकी जो रैंकिंग होती है वो बेस करती है आपकी थर्टी

ठीक है इट इज डेवलप्ड बाय द भारत बायोटेक भारत बायोटेक ने डेवलप करी है देन इट इज इंट्रा नेसल वैक्सीन इंटरनेशनल वैक्सीन नेसल वैक्सीन है ये इट इज सुटेबल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एज फाइव टू एटीन करेक्ट वन को चूज कर लो इसमें से बार बार में व्यूअर्स गिर जाते हैं बार बार कोई आ जाता है बार बार कोई चला जाता है क्या चल रहा है कोई बीच में आता है कोई चला जाता है वट इज गोइंग ऑन पूरा देखा करो भाई नहीं ऐसे समझ जाती चीजें और ये जैसे मैं आपको चीजें बता रही हूँ ना लेग रेंज और वेट या आपके रबर डैम एंड ऑल ये शायद आपको नॉर्मल आपके करिकुलम में मिलेंगे ही नहीं ठीक है आपके नॉर्मल करिकुलम में नहीं होगा इनका कि किस तरीके से काम करते हैं क्या है वो पार्ट ही नहीं है लेकिन ये घट रहा है ये करंट में हो रहा है अगर आपको नहीं पता होगा और यूपीएससी ने पूछ लिया कि नई टेक्नोलॉजी जो है वो कैसे काम कर रही है क्या करोगे आप लोग अगर आप करंट को फॉलो नहीं कर रहे तो मैं आपको ये चीज़ कह रही हूँ आप यहाँ प्रेजेंट हो आपके लिए ठीक है आपके पास एक अपर हैंड है आपके उन लोगों से जो नहीं इसको बेसिकली अटेंड कर रहे हैं लेकिन आई वुड सजेस्ट कि डेढ़ सौ बच्चे के अराउंड आते हैं यहाँ सो प्लीज़ सब कर लो अटेंड आपके लिए ही बेनिफिशियल है आ, कोई आपका जो स्टेटिक पोर्शन है उसमें चीज़ें आपको नहीं कराने वाला ना ये होंगी फिर बैठे रहना आप लोग ठीक है so, सो आपका बेसिकली इसका अगर हम आंसर देखें सो so इसका आंसर आपका होगा बी बी का बी आपका सही है डेवलप्ड बाय द भारत टेक स देन इंटरनेसनल वैक्सीन है येस नेसल के थ्रू जाएगी देन फाइव टू एटीन नहीं ये आपका एटीन प्लस के लिए इंट्रोड्यूस हुई है फॉर द एमरजेंसी पर्पज नॉट इन द नॉर्मल यूज देन हम बात करते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन रिगार्डिंग द चीता प्रोजेक्ट चीता प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग बात करेंगे यहाँ पे अंडर दिस सेवन चीता फ्रॉम नामी बिया इंट्रोड्यूसड इन इंडिया सेवन चीता लेके आए हम नामी बिया से जिसको हमें इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया है कूनो पार्क में ठीक है देन हम बात करेंगे चीता वॉज डिक्लेयर एज एनडेंजर्ड स्पीसीज इन इयर 1952 विच वन ऑफ़ द फॉलोइंग करेक्ट कि चीता इनडेंजर फीसिज घोषित कर दिया गया था 1952 में आंसर एवरी वन आंसर 12 बी वन एंड टू बी बी सात चीते आए या आठ सीते आए मुझे बताओ पहले हाँ स्नेहा बसोया गॉट इट राइट right. सात नहीं आपके आठ चीते आए अभी बताने के बाद भी क्या चल रहा है आप लोगों के हाँ क्या चल रहा है फाइव प्लस थ्री फाइव फीमेल्स थ्री मेल्स ठीक है ये आपका चीता का रेशो है बेसिकली देन अगर हम बात करते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज इन नाइनटीन फिफ्टी टू इनडेंजर्ड नहीं भैया एक्सटिंट हो गई थी तब तो नाइनटीन फोर्टी सेवन मतलब आपका उस टाइम पे तो जो लास्ट चीता था वो भी जान दे चुका था अपनी तो आपकी नाइनटीन फिफ्टी टू में तो uh, आपकी एक्सटिंट हो चुकी थी इनडेंजर्ड नहीं थी हैंस यहाँ पे नाइदर वन नोर टू इट इज स्ट्रेंज दैट पीपल आर कमेंटिंग फिर कर दो डिलीट <laughs> फिर कर दो डिलीट कमेंट हाँ ठीक है वेरी गुड अभी भी बी कमेंट की हुई है अच्छा एट ठीक है एट, एट 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 ओके ओके ठीक है देन हम स्टार्ट करते हैं आगे थर्टींथ क्वेश्चन इंटरनेशनल डे फॉर द ओजोन कंजर्वेशन इज सेलिब्रेटेड ऑन ओजोन कंजर्वेशन के लिए जो इंटरनेशनल डे मनाया जाता है वो किस दिन पे सेलिब्रेट करा जाता है प्लीज आंसर एवरी वन 12 का डी ठीक है थर्टीन का देखो आप थर्टीन का बताओ आप लोग अरे कमेंट करो डिलीट मत करा करो यहाँ मैं चेक करके मार्क्स नहीं दे रही किसी के नेगेटिव मार्किंग नहीं है कमेंट्स के लिए कमेंट फ्रीली कुछ पूछना हो तो कमेंट कर लो कुछ बताना हो तो कमेंट कर लो यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है यूपीएससी नहीं है ये सिक्सटीन ऑफ सेप्टेम्बर ठीक है आंसर आने लग गया है सी 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 कोई सी बोल रहा है कोई डी बोल रहा है कोई सी बोल रहा है कोई D बोल रहा है। तो 16th. क्या है? 16th of September, 4th one. ठीक है? है? क्या ठीक मनाया जाता ओजोन कंजर्वेशन डे के लिए ठीक है? अब हम बात करेंगे इन करेक्ट वन इन करेक्ट वन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रक्तदान रक्तदान के बारे में बात कर रहे हैं इट इज अ फिफ्टीन डे ब्लड डोनेशन ड्राइव ठीक है फिफ्टीन डे ब्लड डोनेशन ड्राइव है सेकेंड इनोग्रेटेड बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया किसने इनोग्रेट की है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया आंसर एवरीवन फॉर द फोर्टींथ अच्छा आप लोगों में से कितने बच्चों ने जो इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल अभी आया है जो बुक्स आई हैं वो आप सब लोगों ने ले ली है ठीक है फोर्टीन का सी फोर्टीन सी फोर्टीन सी ठीक है सो हेयर आंसर इज इन करेक्ट वन नाई दर वन नोट द टू पढ़ लो भैया इन करेक्ट वन इन करेक्ट वन पूरा पढ़ा करो ठीक है इनके बाद यहाँ डैश है करेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है वो ठीक इनकरेक्ट लिखा है ऐसे ही जाता है वैसे ठीक है देन हम बात करेंगे इसका क्या था नाइदर वन नोर टू ठीक है फिफ्टीन डे ब्लड डोनेशन ड्राइव है यस yes, तो इनकरेक्ट नहीं होती देन यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मानवी जी ने करा है इनोग्रेट यस उन्होंने ही किया है सो अगेन द आपकी जो ये वाली स्टेटमेंट थी वो भी गलत नहीं होती अब हम बात करते हैं इंजीनियर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन मैम आई हैव रिसीव्ड हाँ जिस जिसको मिल गई है वेरी गुड जिन जिन्होंने परचेज कर ली है जो भी उसका प्राइस है वो आपको सर बता देंगे और प्लीज़ उसको परचेज कर लीजिए क्योंकि एक बेनिफिट हो जाएगा आपको एक कॉन्सोडेटेड मटेरियल मिल जाएगा पढ़ने के लिए हम तो जो चीज़ पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा ही रहे हैं अपार्ट फ्रॉम इट आपको एक जगह पे सारा मटेरियल कॉन्सलीडेट होकर मिल जाएगा 19 बुक्स हैं शायद से और वो 19 बुक्स के अंडर आपका पूरा जो है जी एस सी सेट वो आपका सारा कवर है तो प्लीज़ आपने अगर नहीं भी ली है तो कलेक्ट कर लें ठीक है आप ले लें परचेज कर लें धन हम बात करते हैं इंजीनियर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन इंजीनियर्स डे कब सेलिब्रेट होता है? हैलेवेवंथ ऑफ सेप्टेम्बर ट्वेल्थ ऑफ सितंबर, फिफ्टींथ ऑफ सितंबर और सेवनटीन्थ ऑफ सितंबर। फिफ्टीन का सी 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 बच्चों के आंसर आ रहे हैं सो so, हाँ सो हेयर द आंसर इज सी इंजीनियर्स डे जो है वो आपका सेलिब्रेट होता है ऑफ ऑफ पे पे ठीक है किन का बर्थडे था फिफ्टीन ऑफ सेप्टेंबर को कमेंट नाम बताओ किन का बर्थडे है फिफ्टीन ऑफ सेप्टेंबर को जिस दिन हम वो बताते हैं आपका इंजीनियर्स डे एक आखिरी क्वेश्चन कमेंट करो एवरीवन कमेंट नहीं है ये आप लोगों के अभी तक मेरे को पता रियल टाइम नहीं चल रहा लेकिन इत... मोदी जी का मोदी जी के बर्थडे पे हम इंजीनियर्स डे मना लेंगे विस्तवर ठीक है ये रहा आपका नाम मैं ना आपको दिखा देती हूँ ठीक है किन के नाम पे हम मनाते हैं विश्ववरिया कुछ ऐसे ही ना मतलब विश्ववर्या विश्ववर्या कुछ ऐसे ही करके नाम है जो आपके बहुत बड़े वो रहे हैं ठीक है वो मैं आपको एक बार दिखाई देती हूँ नाम एक काम करो आप लिख लो पता चला आपको ऐसे याद ही ना रहे फिर ठीक है तो नाम है उनका मोक्षा गुंदम विश्वरिया ठीक है मोक्षा गुंदम विश्ववर्या अगर आपको इतना बुरा मतलब सॉरी इतना बुरा कह रहे सॉरी इतना लंबा जो नाम है सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी अगर इतना लंबा नाम आपको याद करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है ये नो डाउट सो आप इसका सिर्फ विश्ववर्या जो है इसे याद कर लो ठीक है विश्ववर्या ठीक है काफी बड़ी हस्ती रहे हैं इंजीनियर की फील्ड में और इन्हीं के डे पर हम बेसिकली से मनाते हैं ठीक है अब हम जो है आज का जो सेशन है वो हम यहीं पे आपका एंड कर देंगे अपार्ट फ्रॉम इट अगेन मैं बोलूँगी जो भी आपका ये इंस्टीट्यूट से मटेरियल मिल रहा है नए बच्चे हो पुराने बच्चे हो प्लीज़ उसे परचेज कर लीजिए बहुत नॉमिनल से प्राइस पर है आपको नाइनटीन बुक का सेट मिल जाएगा और उसमें आपकी जो मोस्टली आपका सिलेबस है वो सारा कवर्ड है मोर ओवर जो आपका कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट है मैंने खुद भी उन्हें अभी रिसेंटली देखा है तो अपार्ट फ्रॉम इट आई विल सजेस्ट परचेज देम ठीक है so, सो आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आज का जो आपका करंट अफेयर का सेशन है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगेन मैं एक बात आपको बोलूँगी कि प्लीज जो सौ बच्चे आपकी क्लास में आ रहे हैं उन्हें बोलो कि भाई लाइव पे आ जाओ ठीक है आपके दोस्त हैं पीयर टू पीयर जब इंट्रैक्शन होता है चीज़ ज़्यादा समझ में आती है उन्हें बोलो कि भाई लाइव पे आ जाओ करंट के बिना कुछ नहीं है आप अगर स्टैटिक पढ़ भी रहे हो तो बहुत सी चीज़ें स्टैटिक में ऐसी हैं जो आपको नहीं कराई जाएंगी करंट में नई नई चीज़ें हो रही हैं वो आपकी यहीं से होंगी मैं बहुत डिटेल्ड करा रही हूँ मैं आपको एक एक टेक्नोलॉजी को बिल्कुल छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स में तोड़ के समझा रही हूँ इससे ज़्यादा तो अब मैं क्या ही करूँ आपके लिए ठीक है अपार्ट फ्रॉम इट आपको एक होमवर्क मिला है आज जिमिक्स के बारे में ब्रेन करके आपकी सबकी कमेंट्स मेरे को चाहिए ठीक है आई एल बी चेकिंग द कमेंट्स आउट द टाइम कमेंट करना है ठीक है औ, और कोई ऑप्शन ही नहीं है कमेंट करना है जिमिक्स के रिगार्डिंग ब्रेन करके मेंस के आंसर राइटिंग में आपके लिए हेल्पफुल होगा ठीक है सो so, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आज का सेशन हम अपना यही एंड करेंगे करंट अफेयर का सो दिस इज ऑल फॉर टुडे मी एंसली कौशिक